हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल #smiley। गाइस, आज हम EIS का फोर्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एम कॉमर्स, ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। गाइस, जैसे मैंने अनाउंस किया था कि मैं आपको 15 डेज़ के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दूँगी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर, जिसमें मैं ये इसका आपको फोर्थ चैप्टर करवाने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल #smiley को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये पूरा सिलेबस है डिटेल से अच्छे से कवर करवाऊंगी और स्टडी मटेरियल से ही करवाऊंगी आपके, ताकि आपको करने में इजी होगा। और स्टडी मटेरियल के थ्रू हम करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले गाइज मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू देती हूँ। जैसे आपको पता है हमेशा कि मैं सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू ही देती हूँ, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है गाइज, तो चलो अब हम सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। चैप्टर के ओवरव्यू में हमें पहले सबसे पहले हमें एक डायग्राम के थ्रू इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट किया हुआ है कि ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर हम उसके कंपोनेंट, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, आर के स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम, रिस्क क्या होते हैं, कंट्रोल क्या होते हैं और गाइडेंस एंड लॉज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसके अंदर हम वर्चुअलाइजेशन है, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, IT बॉडी, जो बॉडी है हमारा यानी ब्रिंग ओवर योर ओन डिवाइसेज है, Web 3 क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज, अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में गाइज जो मैं आपको मतलब पूरा लाइन के थ्रू मैं आपको वैसे नहीं पढ़ाऊंगी, बट जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं पूरा लाइन के थ्रू आपको पढ़ाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हमें पता था कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई का क्या मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, और एम कॉमर्स का मतलब है यहाँ पे बिजनेस से लिया गया है। कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जैसे आज बहुत सारी साइट्स हैं इंडिया के अंदर या फिर जो फॉरेन की साइटेज है, जैसे कि हमारा वॉलमार्ट, बिग बाज़ार हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हमारा अमेजोन हो गया, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये लोग सारे ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। ये तो ई कॉमर्स बिजनेस की डेफिनेशन देखते हैं हम। अब ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज का, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। यानी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इमेजेस देख के, उसको ऑब्जर्व करके, कैटलॉग देख के, फिर हम क्या कर रहे हैं, उनका ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनसे हम क्या कर रहे हैं, जो गुड्स है उसको परचेज कर रहे हैं। तो वही क्या है हमारा ई कॉमर्स है कि सेल करना गुड्स का, परचेज करना गुड्स का, किसके थ्रू परचेज करना, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू परचेज करना, वही क्या है हमारा ई कॉमर्स है। और इसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, इसके हम कंप्यूटर का, अपने डेस्कटॉप का या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशन है उनका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उनके थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है, माल है, हम उनको क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि जो लास्ट 5 ईयर्स के बाद में अब यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ में क्या है, बहुत सारे चेंज आए हुए हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हम क्या कर रहे हैं, अडोप्ट कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है। अब देखो, अब नेक्स्ट में यहाँ पे हमें ई कॉमर्स की एक और डेफिनेशन दी हुई है। तो ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी जो ये ऊपर वाला पैरा है इसके अंदर कुछ भी मैंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये दो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। इट इज़ रेफर टू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस और प्रोसेसिंग द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंपनी, इट्स कस्टमर एंड इट्स बिजनेस पार्टनर। तो इसके अंदर क्या होगा कि देखो, सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, ये एक बिजनेस करता है कौन से, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू के। फिर इसके अंदर जो कौन कौन इंक्लूड होता है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन के अंदर, किस किस के बीच में ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है, कंपनी के बीच में, कस्टमर के बीच में और बिजनेस पार्टनर के बीच में। तो ये हमारा कौन सा हो गया, नंबर 2 डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद होता है कि ये क्या होता है, ऑटोमेशन होता है, वेराइटीज़ होती है, कि ये क्या है, अपने आप चलने वाली प्रोसेस है। इसके अंदर हम बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर वाले क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं। तो देखो, बिजनेस टू बिजनेस का क्या मतलब है कि कोई एक बिजनेस क्या कर रहा है, यहाँ से माल खरीद रहा है, ठीक है, कि अपने कुछ दूसरे बिजनेस के लिए। मान लो कि हमारा जो होलसेलर है वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन जो हमारा माल खरीद रहा है और उसको किसकी तरफ पहुंचा रहा है, कस्टमर की तरफ पहुंचा रहा है। तो ये कौन सा हो गया, B2B वाला ट्रांजेक्शन हो गया। और एक हम नॉर्मल जो हमारे डेली कस्टमर है, जैसे हम क्या करते हैं, पेटीएम से कुछ खरीद लिया या फिर अमेजोन से कुछ खरीद लिया, तो वो किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो गया, बिजनेस टू कस्टमर के बीच में वो ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, थ्रू द रिलायबल एंड सिक्योर्ड द कनेक्शन, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिलायबल और एक क्या है, एक सिक्योर्ड कनेक्शन है। तो देखो, इसके अंदर क्या होगा, अब हमने ई कॉमर्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमें ये पढ़ा कि जो ई कॉमर्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करता है, ठीक है, और वो क्या होता है, जो हमारा कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है वो किस किस के बीच में होता है, कंपनी के बीच में, कस्टमर के बीच में और बिजनेस पार्टनर के बीच में होता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेशन होती है और वेराइटीज़ होती है इसके अंदर, जो किसके बीच, ऑटोमेशन होता है मतलब अपने आप ये प्रोस काम करता है। इसके ऊपर B2B और B2C हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है हमें कि जो हम जो हमारा कमर्शियल जो था पहले तो क्या था कि 350 मिलियंस इंडियन सिटीज़ के अंदर था, लेकिन अब 2020 तक ये मतलब हम क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि 600 मिलियन तक ये जो हमारा बिज़नेस है वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। अब बात आती है हमारी ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या होता है और ई कॉमर्स बिज़नेस क्या होता है। ठीक है, तो देखो ट्रेडिशनल बिज़नेस और ई कॉमर्स के बीच में मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ कि देखो अब पहले ट्रेडिशनल बिज़नेस तो क्या हुआ कि हम आज किसी शॉप पर जा रहे हैं, जैसे ये एक शॉप है कि ऐसे मान लो कि किराने की शॉप है, ठीक है, और यहाँ पे जो ए नाम का पर्सन है वो क्या है, शॉप पे जाता है, फिर क्या करता है, यहाँ से देख के आइटम को सिलेक्ट करता है और उसे लेके जाता है घर पे अपने। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, किसी मार्केट से परचेज कर रहे हैं। अब हमारा आता है जो नया बिजनेस है, जो इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा कि ए है, ठीक है, उसने क्या किया, घर बैठे बैठे अपने फ़ोन पे, अपने मोबाइल पे या फिर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे उसने क्या किया कि ओपन किया उन दोनों को, डेस्कटॉप कंप्यूटर को, अपने मोबाइल पे ऐप को, जो हमारा अमेजोन है, पेटीएम है, उनको क्या किया ओपन किया, वहाँ से सेलेक्ट किया कार्ड के थ्रू या कैश ऑन डिलीवरी है उसको पेमेंट करवा, उसके थ्रू क्या किया पेमेंट किया, और क्या किया वो प्रोडक्ट है कंपनी ने उसको क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया आफ्टर सम टाइम के बाद। तो बस यही प्रोसेस क्या है इसमें अंदर डिफाइन की हुई है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस और ये होता है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब हमें कुछ है ना यहाँ पे तरीके बताए हुए हैं। अब देखो अब हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो देखो इस एग्जांपल में हमें क्या पता चलेगा कि पहले अब ट्रेडिशनल और अपने को जो न्यू अपनी नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में इसमें डिफाइन किया हुआ है, ताकि हम जो ट्रेडिशनल बिजनेस है और जो हमारा ई कॉमर्स बिजनेस है उसके अंदर क्या कर सके, डिफरेंस कर सके। अब देखो पहले क्या होता था कि अगर हमें उठना होता था तो हमें क्या करना पड़ता था, अलार्म लगानी पड़ती थी और एक सुजनो बटन होता था उसके अंदर, अलार्म जैसे वॉच होती है तो वैसे ही हमें अलार्म लगा के रखनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे पास मोबाइल अलार्म हो गया, हम अपने मोबाइल के अंदर क्या करते हैं जो हमारे अलार्म हम उसको लगा सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स के साथ लगा सकते हैं। मॉर्निंग चोक है, पहले क्या होता था कि मेक कुक और ब्रेकफास्ट, पहले हमें क्या करना पड़ता था उठने के बाद हमें क्या करना पड़ता था, ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था, लेकिन अब क्या होता है कि हम डिलीवर कर सकते हैं सीधा, जैसे होटल्स की बहुत सारी ऐप आपने देखा होगा, स्विगी है और जो जोमेटो वगैरह, ये बहुत सारी ऐप आई हुई है, तो इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम डिलीवर कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं गाइस यहाँ पे जो कि आपको देखने हैं। अब देखो पहले ऑटो रिक्शा हमें करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल जुगाड़ू, ओला, उबर, ये सब क्या है, हमें कैब अपने आप प्रोवाइड करवा रही हैं घर बैठे ही। तो बस ये सारी सिस्टम है वो इसमें डिफाइन किए हुए हैं। अब देखो जो हमारा ये ओल्ड सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम के क्या था, जो हमारी ये मैन्युफैक्चरर है 1, 2 और 3, ये क्या करते थे, होलसेलर को माल सेल कर बेचते थे, और होलसेलर किसके पास जाता था, रिटेलर के पास जाता था, यानी कस्टमर के पास जाता था, और उन्हें क्या करता था, माल सेल करता था। कोई भी प्रोडक्ट है अदर मैन्युफैक्चरर है वो किसके पास जाए, होलसेलर या एजेंट के पास जाता था, और वो क्या जाता था, रिटेलर। मतलब पहले तो यही होता था कि माल कहाँ से जाएगा, मैन्युफैक्चरर से कौन से किसके पास जाएगा, होलसेलर से, होलसेलर के पास जाएगा रिटेलर से, ठीक है। लेकिन अब जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या हो गया, हम घर बैठे बैठे क्या करते हैं, एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन। अब क्या करेंगे हम अपने डेस्कटॉप पे, अपने मोबाइल पे या किसी पे भी हमने क्या किया, अपना जो हमें जो भी परचेज़ करनी थी, जिस साइट से परचेज करना था, हम उस साइट पे गए, हमने शॉपिंग कार्ट के अंदर जो जो चीज़ हमें प्लेस खरीदनी थी, मान लो मुझे चॉकलेट खरीदनी थी, मैगी खरीदनी थी, मुझे कपड़े खरीदने थे, जो भी खरीदना था मैंने वो सब कुछ इस कार्ट के अंदर डाल दिया, और फिर क्या किया मैंने कार्ड के थ्रू क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब कार्ड के थ्रू पेमेंट करने के बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट ऑर्डर हो जाएगा, तो वो उसका मेल है एक तो यूज़र को यानी कस्टमर को सेंड किया जाएगा, एक जो हमारा मर्चेंट है, सेलर है, उसे भेज दिया जाएगा, फिर वो क्या जाएगा वेयर हाउस के पास भी, क्या एक ऑर्डर जो हमारा ऑर्डर कंप्लीशन की रिसिप्ट है वो वेयर हाउस के पास जाती है, वेयर हाउस क्या करेगा, अब जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, डिलीवर जो हमारा डिलीवर करने वाला जो सामान होता है, जो मैंने गुड्स परचेज के लिए उसको क्या करेगा, वो पैक करेगा, और पैक करने के बाद में उसे उसे क्या करेगा, वो शिप कर देगा, और किसको यानी डिलीवरी के लिए भेज देगा, और वो क्या जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो देखो जो हमने ये पहले वाला मेथड देखा था ये तो कौन सा था, हमारा ट्रेडिशनल मेथड, और जब अब ये नया वाला मेथड देखा था ये हमारा कौन सा है, ई कॉमर्स वाला मेथड, जो हमारा न्यू मेथड है वो वाला मेथड है ये, ठीक है गाइज। अब देखते हैं हमने डिफरेंस बताया हुआ है कि ट्रेडिशनल जो कॉमर्स के अंदर और ई कॉमर्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें डेफिनेशन बताइए ट्रेडिशनल ई कॉमर्स की और जो सॉरी ट्रेडिशनल कॉमर्स की और ई कॉमर्स की, कि इनकी क्या डेफिनेशन है। देखो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी अपन एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक्टिविटी किसके थ्रू होगी, मैनुअल प्रोसेस के थ्रू होगी और नॉन इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी, यानी फिजिकल प्रोसेस होगी इसके अंदर, जो भी होगा वो क्या सब क्या होगा, फिजिकली होगा। लेकिन जो हमारा ई कॉमर्स बिजनेस है उसके अंदर क्या होगा, हम जितना भी काम करेंगे वो सारा काम क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिकली होगा और इंटरनेट के थ्रू होगा,
ठीक है अगर ये आपको डिफरेंस एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है कि ट्रांजेक्शन प्रोसेस। ट्रांजेक्शन प्रोसेस में ये क्या होती है, मैनुअली होती है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली होती है। अभी इसकी अवेलेबिलिटी देखो, ये जो हमने इंटरनेट पर, हम चाहे रात को 1 बजे, रात के 2, चाहे हम 1 बजे या 2 बजे या 12 बजे, कभी भी हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, गुड्स को परचेज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर। लेकिन जो हमारी जो शॉप्स है, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, उसके अंदर क्या होता है कि हम किसी मार्केट से जाके या किसी शॉप से जाके क्या कर रहे हैं, हम सामान खरीद रहे हैं, तो वो 24 आवर्स तो क्या नहीं रहती, ओपन नहीं रहती, उनका एक लिमिटेड टाइम होता है। तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर क्या रहती है, अवेलेबल रहती है। मतलब देखो, आपके आज जो देखो, आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारी शॉप्स होंगी, किराने की या फिर किसी भी कोई भी क्लोथ्स की या कोई भी टाइप की शॉप हो सकती है, तो आप देखते होंगे वो शॉप का एक लिमिटेड टाइम होता है कि जैसे मान लो वो शॉप 8 बजे ओपन होती है और उसके बाद वो रात को है ना 6 बजे क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो ये क्या उसका एक लिमिटेड टाइम है, वो एनी टाइम क्या नहीं रहती, अवेलेबल नहीं रहती है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है कि गुड्स कैन बी इंस्पेक्ट फिजिकली बिफोर परचेज, यानी गुड्स को क्या करना पड़ेगा, हमें फिजिकली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा उसको परचेज करने से पहले। मतलब अब हमारी एक, तो आप देखो, एक के आपके पास क्या है, जो किराने की जो ये वाली शॉप है, मतलब आपके आसपास घरों के आसपास या आपके मार्केट में जितनी भी शॉप, आप वहाँ पर क्या है, गुड्स को टच कर सकते हो, उसे छू सकते हो, देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी है, अदर गुड्स की क्वालिटी कैसी है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करते हैं, तो हमें सिर्फ फोटोज़ या कैटलॉग ही क्या होते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं, और उनको हमें ऑब्जर्व करके क्या करना पड़ता है, हमें गुड्स को परचेज करना पड़ता है। तो इसके अंदर तो क्या होता है, हम पर्सनली अटैच होते हैं, पर्सनली हम उसको टच करके दे सकते हैं, बट इसके अंदर हम क्या उसे पर्सनली टच करके नहीं देख सकते, हम फिजिकली उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। फिर आता है कस्टमर इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, कस्टमर का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और इसमें स्क्रीन टू फेस होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलर तो होता नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं, कुछ सेल क्या होते हैं, जो हमारा मर्चेंट है उसके साथ क्या होता है, कन्वर्सेशन करते हैं। उसके बाद इसके अंदर फेस टू फेस होता है, जैसे हम नॉर्मल शॉप पे जाते हैं तो जो हमारा रिटेल जो सेलर होता है वो हमारे सामने होता है, वो क्या करता है, चीज़ों को सेल करता है। उसके बाद आती है बिज़नेस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है और इसमें वर्ल्ड वाइड एरिया होता है। अब सपोज करो कि आपके घर के पास में एक छोटी सी ये दुकान है, ठीक है, तो इस शॉप के ऊपर आपके घर के आसपास के आपके मोहल्ले के आपके नेबरहुड से आके ले जाते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे मान लो मुंबई में रहते हैं और दिल्ली वाले इस शॉप से क्या हो गए परचेज, जो अपना माल है वो खरीदने आएंगे एक छोटी सी शॉप से, ऐसे तो होता नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल तरीका कि इसके अंदर कुछ आसपास के एक लिमिटेड एरिया के लोग ही क्या होते हैं, शॉप पे आते हैं। अब ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी इंटरनेट के थ्रू हम जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे इसके अंदर हमारा ई कॉमर्स हो गया, जैसे कि अमेजोन है, पेटीएम है, ये ओला उबर्स हैं, ये सारी क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस कर रही है। तो इनके थ्रू क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये वर्ल्ड वाइड क्या होती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है कि चाहे हम दिल्ली में रह रहे हो, चाहे हम मुंबई में रह रहे हो, चाहे हम इलाहाबाद में रह रहे हो, या फिर हम अहमदाबाद में रह रहे हो, हम कहीं पर भी रह रहे हो दुनिया के, मतलब किसी भी कोने में रह रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी शॉपिंग है वो हम परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। इसमें इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का कोई कॉमन प्लेट कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता, लेकिन फिर इनमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, एक यूनिक प्लेटफॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। अब आता है रिसोर्स फोकस। इस पर सप्लाई पे साइड पर ध्यान देते हैं और इसमें क्या होता है, डिमांड साइड पर ध्यान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अब जो हमारा, एक तो ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस और ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या ई कॉमर्स बिजनेस। इसके ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर तो क्या होता है, जो शॉपकीपर जो सामान लेके आया है, ठीक है, आज मान लो उसके पास किराने की शॉप है तो वो किराने के अंदर जैसे दाल है, चावल है, चीनी है, बस ये सब रख रहा है। तो अगर हमें ये चीज़ खरीदनी होगी ना, तो हम इसकी शॉप पर जाएंगे, ये डिमांड को नहीं देखते, ये सप्लाई को देखते हैं कि मेरे पास क्या है, मैं उसको बेचूँ। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है वो क्या करेगा, हमारी डिमांड साइड को देखता है कि कस्टमर किस टाइप की डिमांड करते हैं, कस्टमर जिस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं वो क्या करेगा, उसी टाइप का प्रोडक्ट अपनी साइट पे लेके आएगा और कस्टमर को सेल के लिए क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल हैशटैग स्माइली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं इसके बहुत और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, और गाइस इसके अंदर हमें एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि अभी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कोई भी ऐसे, जैसे मान लो कि हमें जो ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है पूछ लिया, तो इनके अंदर डिफरेंस करना, और 4 ऑप्शन दे दें कि इसमें ये पूछ लिया कि जो इसके अंदर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो जैसे दे दिया इलेक्ट्रॉनिकली है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, और ई कॉमर्स में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो मैनुअल होता है, और हमारा ई कॉमर्स बिजनेस है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तो इसके अंदर मतलब इस टाइप से हमें क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है कि वन वे मार्केटिंग होता है, और इसमें वन टू
इसमें क्या होता है, वन टू वन मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि वन वे मार्केटिंग यानी एक तरफ से मार्केटिंग होती है, उसमें अंदर क्या होती है दोनों तरफ से मार्केटिंग होती है। अब पेमेंट आता है, इसमें हम कैश में, चेक में, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें हम चेक में, क्रेडिट कार्ड से, कैश ऑन डिलीवरी भी पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट वैलेट से, यूपीआईसीआई या यूपीआई से भी हम क्या कर सकते हैं इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं इंस्टेंट डिलीवरी होते हैं, जैसे हम इंस्टेंट, क्योंकि आपको पता ही है कि हम किसी शॉपकीपर पे कैसे जाते हैं, पैसे देते हैं और हाथों हाथ हमें क्या मिल जाती है, डिलीवरी मिल जाती है। बट ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में कुछ टाइम लगता है कि विद इन 4 मंथ के टाइम, मतलब अगर डिलीवरी फास्ट, किसी बड़े बड़े शहरों में शायद डिलीवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन छोटे गाँव होते हैं, सिटीज, टाउन होते हैं, वहाँ पर जल्दी डिलीवरी नहीं होती है। 2 डेज़ का गैप होता है या 3 डेज़ का, जो भी उनकी पॉलिसीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमें डिलीवरी प्रोवाइड होती है। उसके बाद आता है लेयर ऑफ डिलीवरी या प्रॉफिट इम्पैक्ट। इसके अंदर क्या आएगा कि लेयर ऑफ डिलीवरी या प्रॉफिट प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर क्या डिलीवरी की लेयर्स कम होती है, क्योंकि इसके अंदर हाथों हाथ क्या होती है हमें डिलीवरी मिल जाती है। बट इसके अंदर क्या होगा प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है इंक्रीज़ होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है और वो क्या करता है हमें कस्टमर को इसमें कुछ डिस्काउंट्स भी देते हैं और कुछ बेटर प्राइजेस पे मिलता है। क्योंकि देखो जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर हमारे क्या होते हैं मीडिएटर होते हैं, जैसे ये देखो ये हमारा मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर से ये होलसेलर नंबर वन ले गया, फिर होलसेलर नंबर टू ले गया, तो फिर ऐसे करके ये कब कब रिटेलर के पास पहुंची और रिटेलर के पास जाके कहाँ पे पहुंची कस्टमर के पास पहुंची, तो वन से टू से ऐसा गया। तो यहाँ पे क्या हुआ इन देखो यहाँ पे ये चीज़ 100 रुपये की थी, यहाँ पे इसको मिली 110 रुपये की, 100 रुपये में बनी थी, मैन्युफैक्चरर ने 110 रुपये में बेची, फिर इस होलसेलर ने इसको 120 में बेची, रिटेलर को 130 में बेची, अब रिटेलर कस्टमर को 140 में बेच रहा है। तो कस्टमर को क्या हुआ एकदम जो था महंगी पड़ी है। अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका। अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके में क्या होता है कि ये हमारा मैन्युफैक्चरर था, उसने क्या किया साइट पर अपलोड किया, मतलब मान लो उसको 100 रुपये का पड़ रहा था और उसने क्या किया 110 रुपये में कस्टमर के पास ये क्या है पहुँचा रहा है। तो इसमें क्या होगा कस्टमर को क्या मिलेगा ईजी मिलेगा और एक कम प्राइस पर क्या होगा कस्टमर को प्रोवाइड होगा गुड्स हमारे। फिर आता है कि टाइम इम्पैक्ट है, इसके अंदर क्या होता है डिलीवरी का टाइम भी रिड्यूस होगा, क्योंकि हाथों हाथ क्या कर देते हैं हम गुड्स प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन जो हमारा क्या है इसमें जो फास्टर डिलीवरी तो होती है कस्टमर को, लेकिन कुछ भी कुछ ना कुछ तो टाइम क्या होता है इसके अंदर कंज्यूम होता ही होता है। उसके बाद आता है इल्यूस्ट्रेशन, हमें दिया हुआ है कि जो प्रोसेस हमने पीछे देखी थी डिट्टो वही प्रोसेस यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, मैं कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, मैं इस प्रोसेस की बात कर रही हूँ, डिट्टो यही प्रोसेस क्या है वहाँ पर डिफाइन की हुई है। तो चलो अब हम इसे देखते हैं कि क्या प्रोसेस है यहाँ पे। देखो स्टेप सबसे पहले हम क्या होगा हम वेबसाइट पर जाएंगे या फिर मोबाइल ऐप पर जाएंगे, प्ले स्टोर से जो हमने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है वो उस मोबाइल ऐप पर जाएंगे हम, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद हम क्या करेंगे अब जो हमें प्रोडक्ट बाय करना है उस प्रोडक्ट को हम देखेंगे, उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा प्रोडक्ट की जो देखेंगे प्रोडक्ट की लिस्ट आएगी, प्रोडक्ट की लिस्ट में से हम क्या करेंगे जो हमें खरीदना है वो हम क्या करेंगे बाय करेंगे। फिर यूज़र क्या करेगा फाइनल चॉइस करेगा और पेमेंट करेगा ऑनलाइन। कि देखो पहले क्या किया पहले यूज़र क्या किस पे गया, पहले यूज़र गया साइट पे, ठीक है, पहले साइट पे गया, साइट के बारे में जाने के बाद उसके पास जो भी उसे प्रोडक्ट चाहिए था उस प्रोडक्ट को उसने क्या किया सर्च किया, फिर प्रोडक्ट क्या हुए डिस्प्ले हुए प्रोडक्ट के सॉरी प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए, प्रोडक्ट डिस्प्ले के होने के बाद उसने क्या किया प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब वो किसकी तरफ जा रहा है पेमेंट की तरफ जा रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है, फिर पेमेंट करेगा वो, ठीक है। तो अब एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ई कॉमर्स वेंडर शैल शो ऑल द डिटेल इंक्लूडिंग प्रोडक्ट बिगिन वॉट एंड फाइनल प्राइस और सेम और रिव्यू द कस्टमर एंड कन्फर्मेशन बिफोर फाइनल पेमेंट। तो अब क्या होता है हमें रिव्यूज़ की भी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखो जब भी हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं जैसे कैटलॉग है, मान लो ये मैं एक जींस परचेज करना चाह रही हूँ, ठीक है, ये एक जींस है, तो ये मैं एक जींस परचेज करना चाह रही हूँ। अब इसके ऊपर क्या होगा इस जींस के ऊपर मतलब कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा है, कितने लोगों ने इस पर अपना फीडबैक दिया है। जैसे हम किसी साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें लिखा होता है कि ये देखो इतना लोग जो है इतने लोगों ने परचेज किया, रिव्यू लिखा होता है कि 2.3K, कहीं पे 4K, कहीं पे 5K, मतलब कहीं पे कितना कुछ कुछ ना कुछ रिव्यू दिखा होगा कि कस्टमर का क्या फीडबैक रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कस्टमर का फीडबैक भी हम इसमें क्या करेंगे देख सकते हैं, वो भी हमें क्या मिलेगा मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि यूज़र गो टू ऑनलाइन पेमेंट, यूज़र क्या जाता है ऑनलाइन पेमेंट पे जाता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू क्या करता है पेमेंट करता है। पेमेंट करने के बाद क्या होता है उसके फ़ोन पे एक OTP रिसीव होता है जो हमें क्या करता है बैंक सेंड करता है कि हाँ भाई आप ही ये पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप ही ऑथराइज पर्सन हो या नहीं हो। तो वो क्या करेंगे उसके बाद हम पेमेंट करेंगे और फिर हमें क्या होगी डिलीवरी प्रोडक्ट की रिसीव हो जाएगी, ठीक है गाइस। अब देखते हैं हम इसके ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ई कॉमर्स के बेनिफिट है देखो ई कॉमर्स के बेनिफिट किसको किसको मिलेंगे, एक हमारे कस्टमर को मिलते हैं, ठीक है, कस्टमर के साथ साथ हमारे सेलर को भी इसके ई कॉमर्स के बेनिफिट मिलते हैं और एक हमारे किसको मिलेंगे गवर्नमेंट को इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब वो हम देखेंगे, ठीक है।
देखो अब देखते हैं कि हमारा जो बेनिफिट है वो कस्टमर को क्या मिलता है। बेनिफिट टू कस्टमर, इंडिविजुअल और यूज़र। तो जो हमारे कस्टमर को, इंडिविजुअल को, यूज़र्स को इससे क्या बेनिफिट होंगे? सबसे पहले देखो हमारे यूज़र के लिए क्या होगा, ये कन्वीनियंस होगा। क्योंकि एक जो कन्वीनियंट किस लिए होगा कि कहीं पर भी बैठे बैठे हम इंटरनेट के थ्रू अपने फिंगर जो ट्रिप्स है जो भी है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईजी से प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और कन्वीनियंस होने के कारण क्या होगा, हम कहीं से कभी भी इसे बाय कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये क्या होगा, हमारे लिए टाइम सेविंग होगा। जैसे हम इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेड ई कॉमर्स के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं कि घर बैठे हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन कर देंगे और प्रोडक्ट हमें क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होगा, हम घर से निकलना पड़ेगा, शॉप पे जाना पड़ेगा, शॉप पे जाने के बाद में हमें वहाँ से सेलेक्ट करके रिसीव करना होगा, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि ई कॉमर्स में जो हम अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उसके अंदर हमें सिर्फ 2 और 3 ही मिनट्स लगते हैं। उसके बाद आता है वेरियस ऑप्शन होते हैं इसके अंदर कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे अगर हमें आज मान लो कि एक टीवी खरीदना है मुझे, तो उसके अंदर मुझे बहुत, आज मान लो मुझे क्या खरीदना है, एक टीवी खरीदना है, तो जैसे मान लो उसके LG का टीवी है, रेडमी आई मी का जो MI का टीवी है, और हमारे जितने भी टाइप के जो भी जितनी भी सैमसंग का टीवी है, मतलब सारे टीवी क्या होंगे मेरे साथ में प्रेजेंट हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। उसका उन दोनों में से मैं क्या करूँगी, इन सबका प्राइस का कंपेरिजन कर लूँगी कि ये प्राइस में इतना मिल रहा है, ये प्राइस में इतना मिल रहा है। तो पूरा मैं कंपेरिजन भी इससे क्या कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो इजी टू कंपेयर होगा ये मेरे लिए, और है ना हर टाइप का मुझे प्राइस वगैरह सब चीज़ की मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इजी टू फाइंड रिव्यू, इसके अंदर हम रिव्यू भी पता चल जाएगा कि किन लोगों ने क्या क्या फीडबैक दिया है, किसी ने अच्छा बताया है, बुरा बताया है, या फिर क्या बताया है। इसके अंदर हमें बहुत सारे डिस्काउंट्स है, वाउचर कूपन भी अवेलेबल होते हैं, कि कैशबैक का ऑफर भी मिलता है, तो वो सारे कुछ भी हमें मिलता है, एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं हमें। यानी ये क्या होता है, 24x7 आर क्या रहता है, हमारे लिए अवेलेबल रहता है। अब देखो एक बार हम वापस इनके देख लेते हैं कि ये क्या होता है, कन्वीनियंस होता है, टाइम सेविंग, वेरियस ऑप्शन, ईजी टू फाइंड रिव्यू, कूपन एंड डील, और एनी टाइम एक्सेस। एक बार और गाइस हमें हाथों हाथ हमें याद भी करना है, देखो कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, वेरियस ऑप्शन, ईजी टू फाइंड, कूपन एंड डील, एनी टाइम एक्सेस। ओके गाइस अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं हमें जो सेलर्स के लिए क्या बेनिफिट होते हैं, तो सेलर के लिए क्या बेनिफिट होता है वो हम इस पॉइंट में देखेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज कस्टमर बेसिस, इसमें क्या होगा, कस्टमर का बेस इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये वर्ल्ड वाइड होता है, ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। तो इसके अंदर, इसके थ्रू, वर्ल्ड वाइड होने के थ्रू क्या होगा, हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर क्या होंगे, ऑनलाइन क्या हो सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं। रिकरिंग पेमेंट होता है इसके अंदर, क्या होगा कि हम होमोजीनियस पेमेंट की प्रोसेस, देखो हम कितनी भी साइट है जो हमारी, चाहे आप अमेजोन ले लो चाहे, या फिर आप पेटीएम ले लो, या फिर आप जो हमारा क्लब फैक्ट्री ले लो, आप कुछ भी ले लो, सब पे क्या होता है, एक तरीके की पेमेंट प्रोसेस होती है। यानी ये मान लो कि अगर जैसे क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर रहे हैं, या हमारे डेबिट कार्ड से हम जो पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एक होमोजीनियस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है उसे हम फॉलो करते हैं। जैसे डेबिट कार्ड के थ्रू हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें डेबिट कार्ड के नंबर देने होते हैं, फिर हमारे CCV नंबर देने होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, OPT एंटर करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हमारा पेमेंट हो जाने लगता है। तो हर जगह क्या होती है, होमोजीनियस प्रोसेस का करते हैं हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी होने के कारण क्या होगा, ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या होगा, इजी होगा। इसके अंदर क्या होता है, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है, कि हम 2 मिनट के में क्या अंदर कर सकते हैं, हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और डिलीवरी वो पेमेंट कर सकते हैं। फिर क्या प्रोवाइड करवाएगा हमें, डायनेमिक मार्केट प्रोवाइड करवाता है, कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो अलग अलग क्वांटिटी के, अलग अलग क्वालिटी के क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है रिडक्शन इस कॉस्ट, कॉस्ट में भी रिडक्शन होती है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हमें इतना एडवर्टाइजमेंट की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और इतना एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं, तो जिससे हमें इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट भी मिलता है, कि जिस जैसे जैसे हम ज़्यादा, हमारी प्रोडक्शन क्या होता है बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ये आपने बात इकोनॉमिक के अंदर पढ़ी होगी। और उसके बाद हमने क्या हुआ, उसके बाद इसमें हमें जो कंपटीशन है वो बना रहता है, ज़्यादा सप्लायर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर होने के कारण हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा इजी टू एक्सेस करना होगा, और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कम आएगी, तो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी रिडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आता है इफिशियंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, कॉम्पिटिशन होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, और लोअर प्राइस पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इफिशियंसी है वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा के अंदर अपने जो गोडाउन में के अंदर सेव रखते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ी होती है तो हम उन्हें क्या प्रोवाइड करवा देते हैं। और इसमें क्या होता है, एरर्स नहीं आते हैं, कोई भी टाइम नहीं लगता है, ये जो एक्सटर्नल प्रोसेस होती है जो इरिलीवेंट होती है, उन प्रोसेस को क्या करता है, कम करता है, और बिजनेस के जो कंप्लीट ट्रांजेक्शन है पर्टिकुलर फ्रॉम डिलीवरी टू पेमेंट तक है, वो उनमें क्या होता है, ईजी होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। उसके बाद आता है न्यू मार्केट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो इसके अंदर ईजिली हम क्या कर सकते हैं, एक मार्केट से दूसरे मार्केट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और इसके थ्रू क्या होगा,
हम न्यू मार्केट के अंदर इजी से एंटर कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी के हम गुड्स प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि कंपटीशन होता है, और उसके कास्ट इंक्रीज़ क्या करेंगे हम, हमारी इफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेंगे, हमारी क्वालिटी को प्रोडक्ट की इंक्रीज़ करेंगे और वेरियस टाइप की क्वालिटीज़ को क्या करके हम मार्केट के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद आता है एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिले। अब टाइम डिले को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत फास्टर काम होता है, हाथों हाथ सारी प्रोसेस होती है कि यहाँ से अब जैसे ही हमने डिलीवरी का ऑर्डर लगाया वैसे ही वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, वहाँ से डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाता है। 1 और 2 डेज के अंदर क्या होती है, हमें डिलीवरी रिसीव हो जाती है। उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं हम गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलेंगे। पहले हम ये रिवाइज करते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट देखे। सबसे पहले जो हमने बेनिफिट देखा था वो क्या करेगा, कस्टमर का बेस इंक्रीज करेगा, रिकरिंग पेमेंट को होगा, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अंदर, ये हमें डायनेमिक मार्केट प्रोवाइड करवाएगा, ये हमें कॉस्ट में रिडक्शन प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद इफिशियंसी इंप्रूव होती है, नया मार्केट क्रिएट करते हैं, ईजी न्यू मार्केट क्रिएट करना होता है, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है, और ये टाइम डिले को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। ओके गाइस, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आता है। अब आता है कि बेनिफिट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ई कॉमर्स से क्या बेनिफिट होंगे। देखो, एक तो गवर्नमेंट को क्या होगा, करप्शन से फाइट करने में मदद मिलेगी, हेल्प होगी गवर्नमेंट की करप्शन को फाइट करने, क्योंकि सारा क्या होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का कि सारा जो फॉर्म है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को पता चलने लग जाएगा कि क्या क्या जो क्या किसकी इनकम है, कितनी इनकम हो रही है, तो कोई भी जो टैक्स पे करने से बच नहीं सकेगा। उसके बाद आता है इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक काम होगा तो उसमें क्या होगा, पेपर का कंजम्पशन कम होगा, वेस्ट मटेरियल कम होगा, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल को हेल्थ बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को स्वच्छ करने के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट को उसमें भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद देखते हैं ई कॉमर्स इन फ्यूचर। ई कॉमर्स इन फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे हम देख रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ई कॉमर्स क्या है, हमारा तरक्की करता जा रहा है, ई कॉमर्स लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग स्टेज पे है। ये देखो हमें बताया हुआ है कि देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, ये देखो सबसे पहले पहले तो साउथ अफ्रीका में इतना था, फिर इतना हुआ इतना हुआ, पाकिस्तान में इतना, फिर कॉन्गो में इतना, बांग्लादेश में इतना, मतलब लगातार क्या हो रहा है, जो हमारा बढ़ता ही जा रहा है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है वो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमें क्या बताया कि कॉम्पोनेंट क्या है ई कॉमर्स बिजनेस के। ओके गाइस, तो देखो अब जो कंपोनेंट है उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा ई कॉमर्स का कंपोनेंट आता है, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट से क्या मतलब है, कंपोनेंट मतलब यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन कौन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे हमारे यूज़र्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, हमारे सेलर इसके अंदर इंक्लूड होंगे, हमारे जो इंटरनेट की जो हमें सर्विस प्रोवाइड आते हैं वो इंक्लूड होंगे, हमारा वेब पोर्टल या हमारी जो वेबसाइट है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो ये सारे क्या हैं, इसके कॉम्पोनेंट्स हैं किसके, ई कॉमर्स बिजनेस के। तो चलो अब देखते हैं हम यूज़र क्या होता है, यूज़र कौन होते हैं, यूज़र क्या होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती हो सकती है, जो क्या कर सकती है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का क्या करती है, यूज़ करती है। और ये क्या, जो हमारा ई कॉमर्स पे जो हमारा ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो क्या होता है, ईजी होता है, सिंपल होता है, वो क्या होता है, ई कॉमर्स वेंडर को उनका जो प्रोडक्ट की उनकी नीड है वो उनको प्रोवाइड कराता है, उनको क्या करता है, डिलीवर करता है। और जो हमारे ई कॉमर्स वेंडर्स होते हैं वो क्या करेंगे, ये भी हमेशा टाइम टू टाइम ध्यान रखते हैं कि किसी को कुछ गलत तो डिलीवर ना कर दिया हो, या किसी रॉन्ग यूज़र के पास तो कोई जो ऑर्डर है वो गलत ना चला गया हो। जैसे ये मान लो कि मुझे आज यहाँ पे कुछ मतलब आज मैंने एक मान लो आज मैंने एक ड्रेस मंगाई थी, ठीक है, तो आज ए ने एक ड्रेस मंगाई थी, वो ड्रेस कहीं बी को तो ना डिलीवर कर दियो, ये सब क्या करते हैं वो ध्यान रखते हैं जो हमारे ई कॉमर्स वेंडर होते हैं। और वो क्या हमें एक बेस्ट सर्विस क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। और वो ये भी ध्यान रखते हैं कि जो गलत टाइम पे क्या हो, ये हमारे यूज़र को डिलीवरी ना हो गई हो, गलत यूज़र को डिलीवरी ना हो गई हो, सही टाइम पे सही यूज़र को क्या हो वो डिलीवरी प्रोवाइड होती है। सो गाइज, अब हम देखते हैं आगे हमें क्या प्रोवाइड करवाया, आगे हमें एक डायग्राम प्रोवाइड करवाया हुआ है। इस डायग्राम में देखो बीच में क्या गया, हमारा ई कॉमर्स आ गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल फ़ंड ट्रांसफ़र है या इलेक्ट्रॉनिक डाटा को इंटरचेंज करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट करते हैं। इसमें एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, सेल, कस्टमर सपोर्ट, ईमेल, फैक्स, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ वेंडर्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद आता है ई कॉमर्स वेंडर कौन होते हैं। देखो ई कॉमर्स वेंडर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है या एंटिटी होती है जो क्या प्रोवाइड कराती है, उस जो हमारी यूज़र्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करवाती है। और लेस जैसे हमारी flipkart.com हो गया, तो या फिर हमारा अमेज़ोन हो गया, वो सारे हम क्या करते हैं प्रोवाइड करवाते हैं, हमें गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं। ई कॉमर्स वेंडर फर्दर नीड टू एंश्योर द फॉलोइंग फॉर बेटर इफेक्टिव एंड इफिशियंट ट्रांजेक्शन। तो इन जो ई कॉमर्स वेंडर है वो क्या करते हैं कि इसको बेटर और इफेक्टिव और इफिशियंट ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं यूज़र को, ताकि उन्हें बेटर एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं, अच्छी
क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो सप्लाई चेन, अब देखो इसके अंदर कुछ है ना, जो हमारे वेंडर्स होते हैं, ई कॉमर्स वेंडर, वो किस चीज़ों का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, हमारे यूज़र्स को अच्छी सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो हम देखेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सप्लायर है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसके अंदर सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये क्या, इसका फर्स्ट जो हमारे ई कॉमर्स वेंडर का कॉम्पोनेंट है, ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, दीज आर बीइंग अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ होल ऑपरेशन। ये क्या इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है फॉर इफेक्टिवनेस, एंड दे नीड टू एंश्योर दैट दे हैव इनफ एंड द राइट गुड सप्लायर। तो ये इसमें क्या होगा कि वो क्या करेंगे, एक गुड सप्लाई, ये क्या करेंगे अपनी गुड से मतलब बेहतर से बेहतर सर्विस क्या करेंगे हमें प्रोवाइड करवाएंगे। ये फाइनेंशियल है और ऑपरेशनल सेफ, ये सेफ गार्ड भी हमें प्रोवाइड करवाएंगे, सिक्योरिटी भी अगर हमें क्या करेंगे प्रोवाइड करवाएंगे। सप्लायर आर एबल टू प्रोवाइड रियल टाइम स्टॉक इन्वेंट्री, इनकी ये क्या करते हैं अपने पास इन्वेंट्री को, मतलब जो गुड्स होते हैं उनको स्टॉक करके रखते हैं, जब भी उनकी डिमांड आती है तो उन्हें क्या करते हैं वो सेल करते हैं, डिलीवर करते हैं, और ऑर्डर पर वो क्या करेंगे डिलीवर प्रोवाइड करेंगे एक बहुत कम टाइम के अंदर, यानी वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे डिलीवरी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद देखते हैं वेयर हाउस ऑपरेशन, वेयर हाउस ऑपरेशन के अंदर कि हम क्या करेंगे कि जब हमारे जो हमारे पास कोई ऑर्डर रिसीव होता है, ऑर्डर रिसीव होने के बाद जो जो हमारा वेयर हाउस होता है वो क्या करेगा उस प्रोडक्ट को तैयार करेगा और क्या करेगा जो हमारे कस्टमर है उनको पास क्या करेगा डिलीवर करने के लिए उसे सेंड कर देगा ई कॉमर्स वेंडर को, ठीक है। तो ये एक प्लेस होगा जहाँ पे ऑनलाइन रिटेलर क्या करते हैं पिक कर सकते हैं फ्रॉम द सेल्फ और पिक दैम एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे क्या होगा जो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई है कि हमें किस टाइप का गुड्स चाहिए, किस टाइप की पैकिंग, या फिर जो भी हमें रिक्वायरमेंट आई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट को और उसको क्या करेंगे डिलीवर करेंगे, ओके। और उसके बाद क्या होगा कि ई कॉमर्स कंपनी इन्वेस्ट, और ई कॉमर्स कंपनी है वो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स लगाती है वेयर हाउसेस के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारी एक इंटरनेशनल साइट है वो कौन सी है, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट क्या है आज उसका कितना, मतलब कितने वॉलमार्ट के आज कितने बड़े बड़े क्या है यहाँ पे वेयर हाउसेज है। अब इंडिया के अंदर जब से FDI जो क्या है जो हमारे मोदी जी ने क्या किया अलाउ किया, तो उसके बाद इंडिया ने यहाँ पे जो वॉलमार्ट ने इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा स्टोर खोला हुआ है, इनके बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहाँ पर ये मतलब इतना माल रखते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा माल ये क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं, और जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हें क्या करवाते हैं प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद आता है शिपिंग और रिटर्न है कि शिपिंग इज़ ए सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू होल द वेयर हाउस ऑपरेशन। इसमें क्या होगा कि जितनी भी जो हमारी शिपिंग से रिलेटेड, सप्लीमेंट्री से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री है वो सारी हमें प्रोवाइड्स करवाते हैं कि शिपिंग से रिलेटेड डेल है, अगर रिटर्न से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, शिपिंग से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ भी क्या हमें वेंडर्स बताते हैं। उसके बाद आता है ई कॉमर्स कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले कि जैसे हम साइट खोलते हैं तो हमारे साइट में क्या है बहुत सारे क्या होते हैं प्रोडक्ट क्या होते हैं डिस्प्ले होते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमारे सामने क्या हो रहे हैं डिस्प्ले हो रहे हैं वही हमारे लिए क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट हमारे सामने क्या हो रहे हैं डिस्प्लेज हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट क्या होंगे वो जो डिस्प्ले हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे कैटलॉग्स बोलेंगे, कि जहाँ पे क्या होगा हमें सारे प्रोडक्ट की डिटेल, टेक्निक, स्पेसिफिकेशन है, बेटर सेल कन्वर्जन रेशियो है, और जो हमारे कस्टमर के जो जितने भी प्रोडक्ट की किस टाइप के कस्टमर का रिव्यू है, तो वो सारा का सारा हमें क्या होगा कैटलॉग के थ्रू जो डिस्प्ले हो रहा है हमारी स्क्रीन पर उसके थ्रू हमें क्या करेगा पता चलेगा। अब देखो गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये मैंने पेटीएम वाला क्या खोला है मॉल खोला है, तो अब देख सकते हो आप इस पेटीएम वाले मॉल के अंदर जैसे क्या किया, मेरे को एक ईयरफोन खरीदना है या फिर जो हेडफोन खरीदना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने क्या हुई एक स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, अब स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है इसके अंदर देखो मुझे यहाँ पे ये जो क्या ये एक कैटलॉग है जो ये दिख रहा है आपको, ये जो हेडफोन की फोटोज़ वगैरह दिख रही है ये सारी, ये क्या है एक कैटलॉग पर क्या हो रहा है हमें डिस्प्ले हो रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर। अब इसके अंदर हमें सब कुछ बताया हुआ है कि हमें ये जो कितने रुपीज़ में मिलेगा, इसके ऊपर क्या क्या कूपन कोड अप्लाई होंगे, क्या ऑफ़र अवेलेबल है, ये देखो हमारी शिपिंग जो फीस है वो कितनी है 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ है, और रिटर्न पॉलिसी है 7 डेज़ के अंदर हमें मिल जाएगी रिटर्न जो हमारी पॉलिसी है, कैंसिल भी कर सकते हैं हम इसको, और ऑर्डर करना हो तो वो सब कुछ हमें क्या किया हुआ है यहाँ पर डिस्प्लेइंग किया हुआ, जो ये क्या हो रहा है शो हो रहा है जो ये चीज़ जो हमारे सामने जो ये फ़ोटोज़ शो हो रही है इनकी गारंटी वारंटी और इनका जो भी जो जितनी जो हमारा प्राइस है और वो सब क्या है इसकी, देखो ये वारंटी शो हो रही है यहाँ पे, तो ये सब जो शो हो रहा है ये क्या है एक कैटलॉग जो हमें क्या हो रहा है दिख रहा है एक डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर हमें किन कस्टमर ने क्या क्या रिव्यू दिया हुआ है, शिपिंग कोड कहाँ पे अवेलेबल है, वो सब क्या है इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये एक जो हमारा एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, ये कैटलॉग का एग्जाम्पल है, ई कॉमर्स बिजनेस का एग्जाम्पल है। उसके बाद अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखो नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या बताया हुआ है कि मार्केटिंग
एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। अब देखो इसमें क्या होगी, कस्टमर कहाँ गया, लॉन्ग जो हमारे पास लॉयल्टी भी बनी रहेगी, मतलब कस्टमर हमारे साथ क्या होंगे लॉन्ग टर्म तक, तो क्या रहेंगे कनेक्टेड रहेंगे, और पुराने कस्टमर तो हमारे साथ लॉन्ग टर्म में कनेक्टेड रहेंगे रहेंगे, लेकिन उसके साथ क्या होगा हमारी नए कस्टमर भी हमारे साथ क्या होंगे ऐड होंगे, क्योंकि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें बहुत सारे डिस्काउंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री होती है वो क्या है, जो हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं तो हम उन्हें अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं, फ्री में टिकट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो इससे क्या होगा कस्टमर हमारे पास क्या होंगे लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड रहेंगे। उसके बाद आता है शोरूम एंड ऑफलाइन परचेजेस, उसमें क्या होगा कि एक फ्यू जो ई कॉमर्स वेंडर्स है और अवर द जो पीरियड हैव बिन रियलाइज देयर प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड फास्ट इफ द कस्टमर आर अवेलेबल टू फील टच सेल देयर प्रोडक्ट। अब देखो जो हमारे जो ऑनलाइन शोरूम्स होते हैं, मतलब जैसे हमारी अमेजोन वाली, ये मान लो जो हमारी अमेजोन वाली साइट है, अब वो क्या प्रोवाइड कर रही है, मैंने इसने दिल्ली में मान लो, या फिर आप ऐसे मान लो मुंबई में, अब इसने क्या प्रोवाइड किया अपने कुछ शोरूम्स प्रोवाइड करवा दिए कि जहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं इनको चेक कर सकते हैं कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, तो वहाँ पे हम जाके पर्सनल टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो ऑफलाइन शोरूम वाली फैसिलिटीज़ होती है कुछ ही सिटीज़ के अंदर क्या है प्रोवाइड करवाई जाती है, हर सिटीज़ के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। उसके बाद आता है डिफरेंट ऑर्डर मेथड है कि डिफरेंट टाइप से हम ऑर्डर कर सकते हैं, हम कैश ऑन डिलीवरी से भी मंगवा सकते हैं हम, या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भी क्या कर सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं, हमें बहुत सारी गारंटीज़ वारंटीज़ के बारे में भी क्या उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद आता है प्राइवेसी पॉलिसी और सिक्योरिटी। तो देखो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्या होगा कि जितनी भी हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक हमारा क्रेडिट कार्ड, हमने क्या परचेज किया, हमने क्या देखा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी है ई कॉमर्स वाली कंपनी है, वो कंपनी ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी क्या नहीं करेगी, शेयर नहीं करेगी विदाउट हमारी परमिशन के। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा होगा जो हमारा जो फेसबुक के जो जकरबर्ग थे, उन्होंने जो सीईओ है उन्होंने क्या किया, फेसबुक के जितने भी यूज़र्स के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उनको क्या किया था सेल किया था, तो वो उन्होंने क्या किया था प्रीवियसली जो पॉलिसी थी उनको क्या किया था उनका उन्होंने फॉलो नहीं किया था उन्हें उन्होंने तो इसलिए कहा कि जब ये प्रीवियसली पॉलिसी जो कंपनी की जो हमारे जो यूज़र है उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ये किसी के साथ तैयार नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, ये तो होती है प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होगा, सिक्योरिटी के अंदर हमें ये बताया होता है कि ई कॉमर्स वेंडर है वो क्या करेंगे हमारी जो हैकिंग से हमारी क्या करेंगे हेल्प करेंगे, हैकिंग से हम इसकी क्या करेंगे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे कि हमारे जो जितने भी फाइनेंशियल डाटाज हैं, जो भी हमने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली है वो किसके साथ क्या हैक नहीं होगी, उसकी क्या हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। देखो प्राइवेसी का तो क्या मतलब हो गया कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन के बिना हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ क्या नहीं करेंगे शेयर नहीं करेंगे, और जो सिक्योरिटी का क्या मतलब हो गया, सिक्योरिटी का ये मतलब हो गया कि जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो क्या होंगी वो हैकर से बचा के रखेंगे। देखो कि प्रेजेंटेड दैट द सिक्योरिटी पॉलिसी अडोप्टेड बाय द ई कॉमर्स वेंडर वेंडर वेबसाइट नीड टू स्टेट दैट ऑनलाइन डाटा यूज टू ट्रांजेक्ट इज सेफ दैट द वेंडर इज़ यूजिंग अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी आइटम। ये क्या करेंगे वेंडर अप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज़ को क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे, जैसे कि सिक्योर्ड लॉकर सिस्टम, जो स्टोकेट जो लायर सिस्टम हो गया, या फिर जो प्राइवेसी पॉलिसी है सिक्योरिटी हैकर मेलासिस से हैकर से मेलिस से जो वायरस वाले प्रोग्राम होते हैं उनसे क्या करेंगे हमारी डाटा को सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, दो कंपोनेंट पढ़े थे, फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ा था यूज़र यूज़र, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट था जो वो हमने पढ़ा था हमारा वेंडर कौन होता है ई कॉमर्स वेंडर, उसके बारे में पढ़ा था जिसके अंदर वेंडर के हमने कंपोनेंट पढ़े थे, जिसके अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गया था, हमारा वेयर हाउस ऑपरेशन, शिपिंग एंड रिटर्न, ई कॉमर्स कैटलॉग, डिस्काउंट, गारंटी, लॉयल्टी, ऑफलाइन शोरूम्स, मेथड्स आ गए सारे, प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटीज, ये सारे आ गए। अब जो हमारा थर्ड कॉम्पोनेंट है वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखो इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर सर्व्स, डाटाबेस, मोबाइल ऐप, इसके अंदर डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरचेंजेबिलिटी और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ये सारे क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। देखो अब जब भी हम क्या करते हैं हमारा कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस करने के साथ साथ हम क्या करेंगे कंप्यूटर से, सर्वर से और डाटाबेस से हमें क्या करना पड़ेगा अटैच होना पड़ेगा। जब कंप्यूटर क्या होता है क्योंकि कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन की हमें ज़रूरत पड़ेगी डिस्प्ले करने के लिए, इंटरफेस करने के लिए, सर्वर क्या होगा वो प्रोसेसिंग करेगा डाटा के अंदर, हम क्या करेंगे अपने डाटा को स्टोर करेंगे, तो ये सारी क्या होती है जो हमारे ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या होती है हमारे लिए यूजफुल होती है। उसके बाद आता है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है मोबाइल ऐप के अंदर, एक सेकेंड का, हाँ
ये देखो कि जो हमारा स्मार्टफोन है, टेबलेट है, टैबलेट है जो हम यूज़ करते हैं, बिकिन अ डोमिनेट फॉर्म द कंप्यूटिंग विद द मैनी मोर स्मार्टफोन। कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स है जिसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उनके थ्रू, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, वो क्या करते हैं, हम करते हैं। अब देखो कि अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अब देखो किसी अब जो हमारी एप्पल कंपनी थी उसने क्या किया, iOS है एंड्रॉयड सिस्टम का क्या किया उसने बनाया। अब जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो क्या ओपन सोर्स सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, जैसे गूगल का एंड्रॉयड है वो क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो iOS है वो क्या गूगल का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फ्री ऑपरेटिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो है नहीं, जो हमें फ्री में तो प्रोवाइड होता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे परचेज़ करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल हमें क्या करनी पड़ेगी, अमाउंट पे करनी पड़ेगी। जैसे ब्लैकबेरी का कोई OS हो गया, विंडो मोबाइल विंडो हो गई, फायरफॉक्स और इनके लिए हमें कुछ क्या होता है, स्पेशल पेमेंट करना पड़ता है। और फिर आता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर मेकिंग देयर डिजिटल प्रेजेंस कॉम्पिटेटिव विद द मोबाइल डिवाइसेज, दे विल हैव टू बी डिसाइडेड वेदर बोल्ड अ मोबाइल ऐप, वो क्या करते हैं मोबाइल ऐप बोल्ड करेंगे। मतलब क्या होगा, ई कॉमर्स करने के लिए जो हमारी ई कॉमर्स वाली साइट होती है, जैसे अमेजोन थी, amazon.com था, तो उसने क्या किया अमेजोन के एक वेब जो मोबाइल ऐप थी उसे क्रिएट कर दिया। अब इस मोबाइल के ऐप के थ्रू हम अमेजोन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें सामान खरीदना होगा वो हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो मोबाइल ऐप भी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हम क्या कर सकें ईजी से कनेक्ट हो सके। और ये जो हमारा अमेज़ोन वगैरह ये ऐप होती है हर एंड्रॉयड सिस्टम पे काम करती है। तो ऐसा है जो हमने क्या बनाया, हमारी मोबाइल ऐप को बनाया कि जिसके लिए हमें किसी कोई भी जो स्पेशल एंड्रॉयड फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको हम क्या कर सकते हैं ईजी से अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके और कुछ भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मोबाइल फ़ोन के, देखो अब जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो क्या होगा कि मोबाइल स्टोरेज फोन मॉडल एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ई कॉमर्स ऐप। कि एम कॉमर्स ऐप के अंदर मोबाइल कॉमर्स का क्या है, जो मोबाइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का क्या मतलब है, मोबाइल कॉमर्स यानी मोबाइल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, परचेज सेल है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जो मोबाइल के थ्रू जब भी हम साइट पर जाते हैं सबसे पहले हमें क्या होगा, कैटलॉग डिस्प्ले होगा। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था, पीछे मैंने आपको दिखाया था कि जैसे मैंने पेटीएम खोला तो उसके ऊपर मुझे हेडफोन खरीदना था या ईयरफोन मुझे खरीदने थे, तो मैं उस साइट पर गई तो मुझे क्या हुआ, कैटलॉग मिला कि कितने रिव्यूअर्स हैं, सब कुछ उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। फिर आता है कि जो मोबाइल जो हमारी टिकटिंग मॉड्यूल, इट इज़ अ एम कॉमर्स ऐप कंपोनेंट दैट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू प्रमोशनल साइड कमर्शियल बिजनेस, एनेबल द वेंडर टू अट्रैक्ट द कस्टमर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग। इसके अंदर हमें वाउचर्स, कूपन, टिकट्स वो सब कुछ भी क्या होता है, हमें रिसीव होता है। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी बहुत ईजी रहता है, क्योंकि आजकल आपने देखा एडवर्टाइज जो हम मोबाइल है उसे हर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिकली क्या बिजनेस करता है, हर कोई क्या है मोबाइल के थ्रू एड और इंक्लूड हो रखा है। तो अब क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट करना क्या होता है, बहुत ईजी होता है, इस पर जो हमारा इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि इससे हमें कम कॉस्ट भी आती है। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम बहुत सारे लोगों क्या कर सकते हैं, नोटिफाई करवा सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट डाल दिया तो वो क्या होगा, इतनी जल्दी फैलता है, ये वायरल जगह है, कोई किसी हमने साइट पर डाल दिया, इंटरनेट पर डाल दिया, तो इससे क्या होगा हमारी एडवर्टाइजमेंट करना ईजी हो गया, यानी कुछ ही मिनटों में हम क्या कर सकते हैं, उसे वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि कस्टमर है वो मोबाइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं या फिर कुछ स्पेशल जो ऑफर्स मिल रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा वो एम कॉमर्स करना ज़्यादा बेनिफिशियली समझते हैं। उसके बाद आता है मोबाइल बैंकिंग है, इनस्ट्रक्टेबिलिटी लिंक सेलिंग प्रोसेस एम कॉमर्स है, बिकॉज नो परचेज कैन बी फाइनलाइज विदाउट अ पेमेंट। अब इसमें क्या होगा कि पेमेंट करना भी, पेमेंट का मोड भी बहुत ईजी होता है, कि हम ईजी से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स की डिटेल डाल के हमें SMS रिसीव हो जाएगा, OTP हम एंटर करेंगे और हम क्या कर सकते हैं ईजी से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे डिजिटल लाइब्रेरी। गाइस ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉम्पोनेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉम्पोनेंट पढ़ रहे हैं, जो जिसके अंदर अब जो हमारा थर्ड कॉम्पोनेंट है वो क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी। ओके गाइस अब हम देखते हैं डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है। कि एक डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है, एक स्पेशल लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जिसके अंदर फोकस ऑन कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट, क्यों जो क्या करेगी हमारा डिजिटल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हमारा एम कॉमर्स का ऑब्जेक्ट है उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करेगी। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट के अंदर जो विजुअल, ऑडियो, वीडियो, मटेरियल है, स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब जो हमारा जितना भी डाटा होता है ऑडियो वीडियो विजुअल, वो सारा डाटा हम क्या कर सकते हैं एक डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर क्या कर सकते हैं, एक स्टोर करके हम रख सकते हैं। जैसे कि हम हमारी जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक जो माई डॉक्यूमेंट या फिर माई फाइल
फाइल या फिर आप अपने मोबाइल में भी ले लो, चाहे माई डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन होता है, ठीक है, वो ही क्या है, हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है। हमारे मोबाइल के अंदर क्या होता है, एक माई डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो विजुअल, वो हम हमारा सब कुछ क्या रहता है, स्टोर रहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो बस वही क्या है, एक डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारे जितना भी डाटा है, ऑर्गेनाइजेशन ने जितना स्टोर किया है, उस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करेंगे, उस डाटा को जब भी चाहिए हम उस डाटा को निकाल सकते हैं। उसका साइज क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो सब हमें क्या होगा, डिफाइन होगा। अब देखो, अब जो हमारी कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर सकती है, इसका यूज़ कर सकती है, ठीक है। अब वो जो हमारी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर सकते हैं, इसका कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन, कोई भी अपना जो मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, उसके डाटा उसको रखने के लिए उसका स्टोर कर सकती है, या एफिलेटेड करने के लिए क्या रख सकती है, उसका स्टोर कर। अब एफिलेट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, एफिलेट जब जो जो यूट्यूबर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के यूट्यूबर होते हैं, या फिर जो ये क्लब फैक्ट्री हॉल, अमेजोन हॉल्स, ये सब दिखाते रहते हैं। तो जो ये हमारे यूट्यूबर हैं, जो ये यूट्यूबर हैं, ये क्या करते हैं, अमेजोन की जो साइट है, जैसे मान लो उस पर जाके कर लिया उन्होंने एफिलेट का, क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अमेजोन के साथ। अब वो एफिलेट का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब कॉन्ट्रैक्ट एफिलेट का उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, अमेजोन है वो उन्हें क्या प्रोवाइड करवाता है कि एक अमेजोन जो कंपनी है, अब वो क्या करेगी कि अब जो हमारे यूट्यूबर है, सॉरी, वो क्या करेंगे, अब अमेजोन की साइट पे जाएंगे और एसोसिएट जो अमेजोन एफिलेट वाली साइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके जो प्रोडक्ट उन्हें सेलेक्ट करना है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसकी URL है, जो उसका लिंक होता है, उसके क्या करेंगे, ये कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद क्या होगा, ये लिंक कॉपी हो गया, अब कॉपी करने के बाद ये क्या करेंगे, अपने जो यूट्यूबर्स हैं, अपने यूट्यूबर जो अपने व्यूअर्स हैं, जैसे कि उनको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे कि ये लिंक है हमारा, इसके थ्रू आप ये प्रोडक्ट जाके परचेज कर सकते हो, जिस प्रोडक्ट को वो अपनी वीडियो में यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो जाके उस URL के थ्रू वहाँ पे जाके क्या करेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अब जो जब वो प्रोडक्ट को खरीद देंगे, जब खरीदने से क्या होगा, मान लो कि किसी ने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, तो उस प्रोडक्ट से खरीदने पर यूट्यूबर को क्या मिलेगा, कुछ कमीशन मिलेगा। तो ये क्या होता है, एफिलेट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो क्या कंपनियाँ करती है। तो इनका भी वो क्या कर सकती हैं, अपना रिकॉर्ड डाटा, मतलब हर टाइप का डाटा क्या यूज़ कर सकती है, वो इस पर रिकॉर्ड करके रख सकती है और जब चाहे वो उसे क्या कर सकती है, निकाल सकती है। अब बात आता है डाटा इंटरचेंज की, क्या क्या मतलब होता है। तो डाटा इंटरचेंज क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन है फॉर डाटा इंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ डाटा इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ बिटवीन द मल्टीपल प्लेयर इन इकोनॉमी, ई कॉमर्स, बिजनेस स्पेसिफिकेशन, प्रोटोकॉल एंड यूज़। मतलब इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ डाटा, इसमें क्या होगा कि कस्टमर से किसके पास डाटा जाएंगे, सेलर के पास जाएंगे, और सेलर से किसके पास जाएंगे, कस्टमर के पास जाएंगे। तो ये क्या है, डाटा इंटरचेंज, यानी डाटा को एक्सचेंज करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद आता है इंटरनेट या नेटवर्क। अब देखो, जो ई कॉमर्स बिजनेस है, जो हमारे ई कॉमर्स जो ट्रांजेक्शन्स है, वो किसके थ्रू सक्सेस हो रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ही सक्सेस हो रहे हैं। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते। अगर हमारे पास नेट ही नहीं है तो हम कहाँ से किस पास का ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वो हम ट्रांजेक्शन कर ही नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे कंपनी आ रही है, अब 4G जो सर्विस है नेट की, वो लॉन्च हो चुकी है, 4G के बाद अब 5G सर्विस लॉन्च करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो नेट के बिना क्या है, हम ई कॉमर्स को एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। जो हमारा ई कॉमर्स बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस आर टोटली डिपेंडेड अपॉन नेट, नेट पे क्या है, टोटल डिपेंडेड है। उसके बाद आता है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल मतलब जो हमारी वेबसाइट्स होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं किसके बीच में, यूज़र और सेलर के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। वो इंटरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप के, लैपटॉप के, PDF से, या फिर जो हैंड हैंडलिंग हमारे कंप्यूटर डिवाइसेज हैं, या फिर स्मार्ट TVs है, जैसे आपने देखा होगा आजकल LEDs के भी अंदर हम इंटरनेट को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ये हमारे हैंड हैंडल डिवाइस हो गए, तो इनके जो हमारी जो ये पोर्टल्स है, जो हमारी वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू हम क्या करेंगे, उसका ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं। अब आता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे के अंदर ये बताया हुआ कि जब हम अपना जो सिलेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट गेटवे को यूज़ करते हैं, हम ई कॉमर्स एम कॉमर्स बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो SBI बड़ी है, पेटीएम है, कैश ऑन डिलीवरीज है, और फ़ोनपे है, इनके थ्रू हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। जो प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया है उसका हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। उसके बाद देखो, आर्किटेक्चर फॉर नेटवर्किंग सिस्टम। आर्किटेक्चर क्या होती है नेटवर्किंग सिस्टम में, वो हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आर्किटेक्चर, पहले मैं आपको ये ऊपर वाला बता देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा था। देखो, जो कंपोनेंट थे उसके अंदर जो हमारा सबसे पहले कंपोनेंट था वो आता था यूज़र, ठीक है। यूज़र के बाद में जो हमारा सेकंड कंपोनेंट था वो आया था हमारा ई कॉमर्स वेंडर, जिसके हमने कुछ कंपोनेंट पढ़े थे, जिसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वेयर हाउस था, शिपिंग रिटर्न आ जाएगा, ई कॉमर्स की कैटलॉग्स, मार्केटिंग लॉयल्टीज, और ये जो हमारे शोरूम वाले थे,
ऑफलाइन शोरूम्स है और डिफरेंट मेथड वाले, गारंटी वाले, उसके बाद हमने प्राइवेसी पॉलिसी सिक्योरिटी पढ़ी थी, और उसके बाद जो हमने थर्ड कंपोनेंट पढ़ा था वो था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने तीन कंपोनेंट पढ़े थे, सॉरी तीन नहीं बहुत सारे कंपोनेंट पढ़े थे, जो था कंप्यूटर था, सर्विस था, डाटाबेस था, फिर मोबाइल ऐप, उसके बाद हमने डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था, डाटा इंटरचेंज के बारे में पढ़ा था, और फिर हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट था, फोर्थ कंपोनेंट था, वो क्या था, नेटवर्क था, फिर वेब पोर्टल था, और पेमेंट गेटवे के बारे में हमने पढ़ा था अभी तक। अब देखते हैं हमारा जो थर्ड कंपोनेंट, जो सॉरी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम, की नेटवर्क सिस्टम की आर्किटेक्चर कैसी होती है। तो आर्किटेक्चर इज़ अ टर्म टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ डिज़ाइन, द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड यूज जनरली बिल्डिंग अदर फिजिकल स्ट्रक्चर इन ई कॉमर्स। इट इज़ डिनोटेड दैट द वे नेटवर्किंग आर्किटेक्चर आर बिल्ड। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि ई कॉमर्स बिजनेस के हम क्या करेंगे, कुछ आर्किटेक्चर को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जहाँ के जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे ई कॉमर्स बिजनेस है उसको क्या बनाएंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे। अब क्या होता है कि ई कॉमर्स बिजनेस रन थ्रू द नेटवर्क कनेक्टिविटी सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम कैन हैव टू टाइप। देखो नेटवर्क सिस्टम है, पहले तो क्या थे, टू टाइप के थे, जिसे हम टू टाइप के होते हैं, तो टू टायर और थ्री टायर। अब देखो टू टायर के अंदर क्या होता है कि टू टायर के अंदर है ना, हम एप्लीके जो हमारा प्रेजेंटेशन टायर और डाटाबेस टायर, हम इन दो टायर का यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंटेशन टायर कैसी होगी, वो क्या करेगी, इंटरफेस करवाएगी, कि जैसे ये है हमारा मोबाइल है, ठीक है, जैसे ही हम पेटीएम मॉल पे गए तो हमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्या होती है, डिस्प्ले होती है, तो ये जो काम है जो यूज़र और सेलर के बीच में जो इंट्रैक्शन करवाता है, यूज़र और किसके बीच में, सेलर के बीच में जो इंट्रैक्शन करवाता है वो कौन करवाता है, इंट्रैक्शन हमारा जो प्रेजेंटेशन टायर है वो क्या करवाता है, इंट्रैक्शन करवाता है। उसके बाद जो हमारा डाटाबेस टायर है वो क्या करेगा, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, डाटाबेस टायर है वो, जो हमारा डाटाबेस टायर है वो जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा उनको, ठीक है। अब हम इसको लाइन के थ्रू पढ़ते हैं। ओके गाइस देखो, अब देखो कि जो हमारा टू टायर है उसमें क्या होगा कि क्लाइंट होगा वो हमारा किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे ये देखो टू टायर के अंदर क्या होता है कि ये ए है, ठीक है, उसे कुछ परचेज करना है, उसने क्या किया, प्रेजेंटेशन टायर को क्या किया, मैसेज किया कि भी मुझे, उसने क्या किया, इंट्रैक्शन किया, अपनी कमांड दी, तो जो हमारा सर्वर होगा यानी जो हमारा प्रेजेंटेशन टायर है वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको किसके पास भेज देगा, डाटाबेस टायर के पास भेज देगा। अब डाटाबेस टायर के पास जाने के बाद क्या होगा, वो डाटाबेस टायर वहाँ पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, डाटा को निकालेगा जो डाटा यूज़र को चाहिए, और वो डाटा किसको भेज देगा, हमारे सर्वर को, हमारे प्रेजेंटेशन टायर को भेज देगा, और वो प्रेजेंटेशन टायर है वो किसको डाटा प्रोवाइड करवाएगा, हमारे एक को जो हमारा यूज़र है उसको क्या प्रोवाइड करेगा, डाटा प्रोवाइड करवा देगा। अब देखो रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर किसको रिस्पॉन्ड करेगा, जो हमारे डाटाबेस को रिस्पॉन्ड करेगा, और डाटा को क्या करेगा, निकाल के वापस ला देगा। ये डिवाइडेड कितना होगा, प्रेजेंटेशन टायर और डाटाबेस टायर के अंदर। ये देखो ये क्या होगा, क्लाइंट की एप्लीकेशन है जो लैपटॉप से वो क्या कर रहा है, अपनी प्रेजेंट करके कर रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, और उसके बाद जो सारी इंफॉर्मेशन है वो डाटा सोर्स के पास या डाटा प्रेजेंटेशन टायर के पास क्या हो रही है, जा रही है। अब देखो प्रेजेंटेशन टायर क्या होता है, प्रेजेंटेशन टायर वो क्या है, हमें इंटरफेस करवाएगा किसके साथ, यूज़र के साथ, और किसके साथ करवाएगा, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स वेंडर के साथ। क्या कर जो यूज़र होते हैं वो क्या करते हैं, हम साइट को लॉगिन करते हैं, जैसे मैंने पेटीएम वाले मॉल को लॉगिन किया था, या फिर मैंने किसी अमेजोन की साइट को लॉगिन किया, ठीक है, वो क्या करवाएंगे, इनके साथ इंटरेक्शन करवाएंगे। तो ये काम किसका होता है, प्रेजेंटेशन टायर का, और उसके बाद हम किसके डाटाबेस के साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे हमें प्रोडक्ट की, प्राइस की और कस्टमर की सारी डिटेल्स क्या होती है, हमें रिसीव होती है। अब प्रेजेंट डाटाबेस टायर, डाटाबेस टायर क्या करेगा कि द प्रोडक्ट डाटाबेस प्राइस कस्टमर डाटा एंड अदर रिलेटेड डाटा कीप्ड हियर। इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे प्राइस, जितने भी प्रोडक्ट है हमारे, जितने भी इन प्रोडक्ट से हमारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम डाटाबेस टायर के अंदर क्या रखेंगे, स्टोर रखेंगे, और जब भी उन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की ज़रूरत होगी तो हम इन्हें एक्सेस करेंगे और डिस्प्ले कर देंगे इन्फॉर्मेशन, अगर हमें इनकी ज़रूरत नहीं होगी तो हम उसे क्या करेंगे, एक्सेस नहीं करेंगे, वो पड़ा रहेंगे। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ टू टायर कैपिटल के क्या, अब देखते हैं हम एडवांटेज देखते हैं किसके, टू टायर कैपिटल के। तो देखो टू टायर कैपिटल के क्या एग्जांपल होंगे कि इसके अंदर क्या होगा, सिस्टम परफॉर्मेंस क्या होगा, इसमें हाइयर होगा, और लॉजिकल और डाटाबेस आर फिजिकली क्लोज, कि इसमें जो हमारे डाटाबेस है वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हमारी जो यूज़र उसके क्लोज होंगे, जितना भी हमें जो भी डाटा चाहिए वो हम क्या कर सकते हैं, उससे रिट्राइव कर सकते हैं, यानी इसमें हाई परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद आता है इसमें जो क्लाइंट है और सर्वर के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन सिस्टम होगा, प्रोसेस के थ्रू हम ईजिली इंट्रैक्शन कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होगी, और इसे ईजी टू क्या होगा, सेटअप करना, मेंटेन करना क्या होगा, ईजी होगा। उसके बाद डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे जैसे हमारे यूज़र्स हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज़ होते जाएंगे, कि जैसे जैसे हमारे इंक्रूज़र बढ़ेंगे, जैसे जैसे उनकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी, तो प्रोसेसिंग बढ़ने के बाद क्या होगा कि हमारा जो सर्वर है, जो हमारा ये टू टायर सिस्टम है वो क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। डाउन आने की वजह से क्या होगा, प्रोसेसिंग के अंदर टाइम लगेगा, एरर आने लग जाएगी, वो क्या होगी, टाइम पर चलेगी नहीं, तो टाइम पर ना चलने के कारण क्या हो जाएगा, हमें
एक बहुत सारी क्या है जो परेशानी है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसका एक आता है कि इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है डाटाबेस चूज़ करने की, कोई भी लैंग्वेज वगैरह की, तो जो इस डिफाइन किया होता है जिस सिस्टम पे वो उसी सिस्टम पे काम करता है। तो ये क्या थी, जो हमारी 2 टायर सिस्टम है उसके डिसएडवांटेज थे। अब देखते हैं हम 3 टायर डाटाबेस क्या होता है, यार सॉरी 3 टायर जो आर्किटेक्चर क्या होती है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर 3 टाइप के कौन से होते हैं, टायर्स होते हैं। देखो जिसमें फर्स्ट टायर कौन सा होगा, हमारा प्रेजेंटेशन टायर, फिर हमारा डाटाबेस टायर, ठीक है, सॉरी प्रेजेंटेशन टायर, फिर उसके बाद हमारा एप्लीकेशन टायर, एप्लीकेशन के बाद में हमारा कौन सा होगा, डाटाबेस टायर। इसमें हमारे कौन से होते हैं, 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन टायर और फिर डाटाबेस टायर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या प्रोसेस रहती है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, जो यूज़र होगा हमारा, जैसे ए हमारा यूज़र है, वो किसको भेजेगा, प्रेजेंटेशन टायर के पास एप्लीकेशन भेजेगा, ठीक है, वो सॉरी इंटरफेक्शन के लिए भेजेगा। वो क्या होगा, यहाँ से सेलर के साथ क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। फिर उसके बाद जो हमारा फिर किसकी बारी आएगी, एप्लीकेशन की बारी आएगी। एप्लीकेशन टावर क्या करेगा, एप्लीकेशन टायर है जो जो यूज़र ने जो इन्फॉर्मेशन मंगवा है उसको वो समझेगा, डिफाइन करेगा, और फिर डिफाइन करने के बाद उसके किसी के पास भेजेगा, डाटाबेस के पास भेजेगा। अब डाटाबेस होगा उस इन्फॉर्मेशन को निकालेगा, एप्लीकेशन को भेजेगा, एप्लीकेशन टायर प्रेजेंटेशन टायर को भेजेगा, और वो प्रेजेंटेशन टायर है वो कि क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा उस इन्फॉर्मेशन को यूज़र के सामने। ये क्या होती है, 3 टायर की प्रोसेस होती है। अब देखो देखते हैं हम आगे पॉइंट क्या होता है। देखो 3 टायर है जो आर्किटेक्चर है, इज़ ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न। ये क्या है, एक डिज़ाइन पैटर्न है सॉफ्टवेयर पे, एक वेल स्टेब्लिश सॉफ्टवेयर है, आर्किटेक्चर है। इसके अंदर प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर और डाटा टायर का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर होती है, और जो सारी की सारी अपना अपना उसका जो फंक्शनल है, लॉजिकल है, और डाटा बेस क्या होता है, डाटा एक्सेस की क्या होते हैं, उनके जो जितने भी जो प्रोसेस फंक्शन और लॉजिकल उनका जो काम होता है, वो काम क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं, डाटा को स्टोरेज करते हैं, इंटरफेस करवाते हैं यूज़र और सेलर के बीच के अंदर, ठीक है गाइस। अब देखते हैं हम इसके क्या होता है, प्रेजेंटेशन टायर। प्रेजेंटेशन टायर में वही है जो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा वेबसाइट पे। जैसे हम किसी भी साइट को खोलते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास जो सबसे पहले जो हमें पेज आता है हमारे सामने, वो क्या होता है, डिस्प्ले वाला पेज होता है, जहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डिस्प्ले होती है, और ये रिजल्ट को ब्राउजर करता है, और जो ब्राउजर होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी उसे क्या करता है, प्रेजेंट करता है। एप्लीकेशन टायर ऐसे मिडिल टायर, लॉजिकल टायर या बिजनेस लॉजिकल टायर भी बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी प्रेजेंटेशन टायर से रिलेटेड, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ये क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, और उन सारी इन्फॉर्मेशन को ये प्रेजेंट करेगा। इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिजनेस लॉजिकल डोमेन लॉजिकल इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट इनकोड द रियल वर्ल्ड बिजनेस रूल, डिटरमाइन हाउ डाटा कैन बी क्रिएट, डिस्प्ले, स्टोरेज एंड चेंज। अब ये देखेगा कि डाटा को कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे स्टोरेज करना है, वो सब कुछ इसमें क्या हुआ, डिफाइन होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट वाला, यहाँ पे प्रेजेंटेशन टायर के साथ क्या होना होगा, क्लाइंट का इंटरसेक्शन होगा, फिर हमारा सर्वर जो एप्लीकेशन टायर होगा वो सर्वर से कनेक्ट होगा, और फिर डाटाबेस टायर के अंदर हमारी क्या होगी, डाटा का स्टोरेज होगा। उसके बाद आता है हमारा जो डाटाबेस टायर है, डाटाबेस टायर क्या होगा, हमारी सारी टाइप की इन्फॉर्मेशन कीप करके रखेगा, इंडिपेंडेंटली करके रखेगा, जब भी हमें ज़रूरत होगी हम प्रोसेस करेंगे और उन डाटा की इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांटेज। देखो 3 टायर कैपिटल की क्या एडवांटेज होती है, एक तो आता है क्लियर सेपरेशन, मतलब हर काम क्या होता है, यूज़र का इंटरफेस क्या होगा, क्लियर होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होती है, डिफाइन की होती है कि एप्लीकेशन टायर ये काम करेगा, प्रेजेंटेशन टायर ये काम करेगा, और जो हमारा जो डाटाबेस टायर है वो ये काम करेगा। तो सबकी क्या होती है, सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो डिफाइन की हुई होती है कि 2 मेन एडवांटेज फॉर द क्लाइंट एप्लीकेशन, क्विकर डेवलपमेंट करते हैं, रीबिल्ड करते हैं बिजनेस लॉजिकल कंपोनेंट को, शॉर्टर टेस्ट फेजेस आएगा। उसके बाद आता है डायनेमिक लोड बैलेंसिंग। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, लोड का ट्रांसफर होगा। जैसे ये मान लो, ये देखो यहाँ पे क्या है, हमारे ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये लोड को भी क्या करते हैं, एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे आज मान लो यहाँ पे 1000 यूज़र काम करने, एक साथ काम करने कंप्यूटर पे बैठ गए, अब एक साथ काम करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन जाएगा वो सबको क्या करेगा, इंटरफेस करवाएगा, सर्वर उनको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, डाटाबेस के पास भेजेगा, और वो क्या करेंगे, डाटाबेस वापस सर्वर के पास इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, सर्वर से जो हमारा प्रेजेंटेशन टायर है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, यूज़र को शो करेगा, प्रेजेंट करेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे मान लो हमने 4-5 डाटाबेस सिस्टम लगाए हुए हैं, तो अब क्या होगा कि अगर एक डाटा सारे क्या एक टाइप के इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डाटाबेस के पास है, लेकिन अब क्या होगा, लोड ज़्यादा होने के कारण इस डाटाबेस का जो काम है, आधा काम ये ले लेगा, थोड़ा काम ये ले लेगा, थोड़ा काम ये ले लेगा, यानी ये क्या करेंगे, लोड को बैलेंस करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ क्या करने की कोशिश करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, बेटर प्रोसेसिंग होगी और जल्दी से जल्दी हमें क्या होगी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। अब चेंज मैनेजमेंट आ जाएगा इसके अंदर, चाहे हम पीसी पे करें या फिर फ़ोन के थ्रू करें, इसको हम फास्टर से फास्टर होता है ये, तो हम इनको मैनेज करना भी क्या होता है, ईजी होता है। अब देखो अगर किसी के बेनिफिट है और कोई भी सिस्टम है उसकी मतलब डिसएडवांटेज तो हमेशा मिलते ही मिलते हैं,
वैसे तो ये जो 3 टाइप वाला सिस्टम है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ डिसएडवांटेज तो होते ही होते हैं, वो हम देखेंगे अब। तो देखो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज़ किया करेगा ये नीड फॉर न्यू ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसके जैसे जो हमने 2 टायर के अंदर पढ़ी थी वही इसकी प्रॉब्लम है सबसे पहले, कि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा उसे मैनेज करना क्या होगा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और क्या होगा हैंग होने की, साइट के हैंग होने की ज़्यादा वो चांसेस रहते हैं। तो इसके जो टूल्स क्या है, मेंटेनेंस टूल जो इसको मेंटेन करते हैं वो क्या है, इमेच्योर है, मतलब जो टूल्स है वो उसके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। फिर जो मैनेजिंग टूल है वो क्या है, इनएडुकेट है, जो टूल हमें प्रोवाइड करवाए हैं वो टूल क्या है, कम पड़ते हैं उसको मैनेज करने के लिए। तो ये क्या हो गए, इसके डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद हमें बताया हुआ है कि विच आर्किटेक्चर इज़ यूज़, कि हम कौन से आर्किटेक्चर को क्या करेंगे यूज़ करेंगे, जो कौन से आर्किटेक्चर है वो हमारे लिए बेनिफिट है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि जो विच स्ट्रक्चर इज़ यूज़फुल, कि कौन सी आर्किटेक्चर है वो हमारे लिए यूज़फुल होगी। अगर हम 2 टायर आर्किटेक्चर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, डिफ़िकल्टीज आती है, इनसफिशियंट मतलब वो क्या रहता है, कॉस्ट इनसफिशियंट रहता है। और उसके अंदर क्या होता है, जब भी यूज़र इंक्रीज़ होगा हमारे तो कॉस्ट इनसफिशियंट रहेगा वो, क्योंकि इसके अंदर लोड ज़्यादा हो जाएगा और ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं तो वो हमें हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाएगा, हाई वेटेज है, प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाएगा, फैसिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस है, हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, डेवलपमेंट है, बेटर रीयूज़ है, इंप्रूवमेंट है, इंटीग्रिटी है, इम्प्रूव द सिक्योरिटीज़ है। तो वो क्या प्रोवाइड करेगा हमें, ये सब प्रोवाइड करेगा, मतलब जो हमें 3 टायर कैपिटल है वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है जो एक यूज़र को चाहिए होता है। फास्ट स्पीड है, रीयूजेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी डिवाइस पे हम इसको चला सकते हैं, इजी मेंटेन है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसलिए जब हमारे यूज़र्स ज़्यादा हो रहे हैं और हमें बेटर परफॉर्म करना है, गुड परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम कौन सा 3 टायर कैपिटल का क्या वो आर्किटेक्चर का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, अब क्या बताया हुआ है कि आर्किटेक्चर ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाइड इंटरनेट। अब हमें बताया हुआ है कि इंटरनेट के थ्रू हम कैसे काम करते हैं, तो ये बिल्कुल गाइस वही है जैसा हमने पहले पढ़ चुके हैं, कि जैसे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, कार्ट में आएगा, रुपीस करेगा, फिर मर्चेंट और उसके पास जो कस्टमर के पास डिटेल जाएगी, वेयर हाउस के पास डिटेल जाएगी, ये पैक करेंगे और उसको डिलीवर करेंगे कस्टमर के पास। तो ये जो सारी प्रोसेस हो रही है ये तो कौन सा हो गया हमारा, एप्लीकेशन लेयर हो गया। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर स्टोर हो रही है वो कौन सा हो गया हमारा, डाटाबेस लेयर हो गया या डाटाबेस टायर हो गया। अब जो इन द कस्टमर के बीच में और यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कौन सा हो गया, प्रेजेंटेशन टायर हो गया। कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और यूज़र के बीच में क्या हो रहा है, जो हमारा यूज़र है और हमारा जो सेलर है उनके बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेस हो रहा है वेब के थ्रू, वो क्या है हमारा, प्रेजेंटेशन टायर है, ठीक है। तो ये इंटरनेट के थ्रू हमें क्या बताया हुआ है, कि इंटरनेट के थ्रू हम कैसे ई कॉमर्स करते हैं आर्किटेक्चर के अंदर। उसके बाद देखो ये हमें बताया हुआ है कि जो क्लाइंट है, यूज़र है, वो क्या कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो ये क्या होगा, कस्टमर और है ना किसको कनेक्ट करेंगे, मर्चेंट को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखो एप्लीकेशन टायर है, वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन है, बैक एंड की तरह काम करके उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, यानी बैक एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कस्टमर की चेक की देखेगा, जो प्रोडक्ट कस्टमर ने मांगा है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। फिर डाटाबेस लेयर होगा, वो हमें प्रोडक्ट की प्राइस कितना है, डिटेल कितनी है, उसका एक्सेसिबिलिटी है, वो सब कुछ हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। अब देखो अब आता है कि मोबाइल ऐप के थ्रू हम कैसे करेंगे। अब यूज़र क्या करेगा, मोबाइल ऐप के अंदर इंटरेक्शन करेगा, फिर वो कहाँ पे जाएगा, ट्रांजेक्शन के लिए जो उसने ट्रांजेक्शन करना है वो देखेगा, फिर मर्चेंट के पास वो ट्रांजेक्शन जाएगा, मर्चेंट बैंक के पास जाएगा, यहाँ पे पेमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इंटरनेट के थ्रू वो क्या करेगा, पेमेंट पे करेगा, मोबाइल वैलेट के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है, और कंज्यूमर बैंक के पे जो अकाउंट से वो क्या हो जाएंगे, पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है ये तो कौन सी होगी, हमारी एप्लीकेशन टायर होगी। और जो ये सारा डाटा जहाँ पे स्टोर हो रहा है वो हमारा डाटाबेस टायर हो गया, और यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंटेशन टायर होगी, जो क्या है, हम इंफॉर्मेशन को क्या करवा रहे हैं यूजर को, यूज़र और है ना जो हमारा सेलर उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। अब बात आती है एम कॉमर्स की, कि एम कॉमर्स क्या होता है, तो देखो वो हम देखते हैं। एम कॉमर्स या वैसे हम क्या बोलते हैं, मोबाइल कॉमर्स। कि एम कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स इज़ अ बाइंग और सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द वायरलेस हैंडल डिवाइस सच एज सेलुलर टेलीफोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस है। कि एम कॉमर्स है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, मोबाइल ऐप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो मोबाइल का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, गुड्स का परचेज कर रहे हैं, सर्विस को सेल कर रहे हैं, सर्विस को क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। तो एम कॉमर्स है वो क्या करी, अनेबल द यूज़र टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट यूजिंग द फाइंडिंग अ प्लेस इन टू प्लग, यानी किसी हमें कंप्यूटर की या फिर किसी एक जगह फिक्स होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते फिरते मोबाइल पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बुक कर सकते हैं और हम कुछ परचेज कर सकते हैं। ये बात जो हम यहाँ पे ऊपर पढ़ के आए हैं वो सेम की सेम बात क्या है, यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं, वर्क फ्लो डायग्राम फॉर ई कॉमर्स।
पहले हमने देखा था कि इंटरनेट का यूज़ करके कैसे हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं। अब वर्कफ्लो फ्लो डायग्राम का यूज़ करके हम कैसे ई कॉमर्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर होगा सेम, गाइस सब में सेम ही प्रोसेस चलने वाली है, प्रोसेस के अंदर कोई भी चेंज डिस्क्राइब नहीं है। देखो कस्टमर होगा, ऑर्डर सबमिशन करेगा, पेमेंट करेगा, फिर ऑर्डर सेंड, जो वेयर हाउस के पास ऑर्डर जाएगा, वेयर हाउस क्या करेंगे, शिपिंग लगाएंगे, कस्टमर को क्या करेंगे, ऑर्डर का क्या करेंगे, सेंड करेंगे। और जब कस्टमर यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहा होगा तो उसे ओटीपी एक रिसीव होगा, वो क्या होगा, कस्टमर को पुट करना पड़ता है। यही प्रोसेस हम बार बार देखते आ रहे हैं और यही प्रोसेस क्या है, चलती रहेगी। अब इसके अंदर भी देखो, अब हमें बताया हुआ कि कस्टमर सबसे पहले क्या करेगा, अपनी डिटेल्स को लॉगिन करेगा डाल के, ठीक है, कि ये टाइप की डिटेल है। फिर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट और सर्विस को सेलेक्ट करेगा, फिर एक ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर पेमेंट गेटवे के तहत वो सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी या फिर हमारा जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या करेगा, पेमेंट करेगा। फिर क्या होगा, डिस्पैच हो जाएगी, शिपिंग प्रोसेस डिस्पैच हो जाएगी। यानी इसके अंदर क्या होगा कि हम टू डिफरेंट एंड है, इसके अंदर क्या होगा कि मतलब डिस्पैच, शिपिंग, मतलब वेयर हाउस क्या करेगा, अब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करेगा और क्या भेज देगा, डिलीवरी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के पास भेज देगा। और फिर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसे कस्टमर के पास डिलीवर कर देगा। फिर डिलीवरी ट्रैकिंग के अंदर आता है कि जो हमारे मर्चेंट है वो क्या करेंगे, टाइम टाइम पे क्या देखेंगे, डिलीवरी देखेंगे कि डिलीवरी किस प्लेस तक पहुंची है, कहाँ तक पहुंची है, कितना टाइम और कस्टमर तक पहुंचने में लगेगा। सीओडी ट्रैकिंग देखेंगे, कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, तो वो सब की क्या करेंगे, वो ट्रैकिंग करते रहेंगे, डिटेल देखते रहेंगे। अब आता है रिस्क एंड कंट्रोल। गाइस ये पॉइंट बहुत ही ईजी है, रिस्क और कंट्रोल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा पॉइंट है जो हम 2 सेकंड के अंदर यू फिनिश कर देंगे। तो चलिए गाइस, सुन रहा है ना तू, गाइस आप लोग ध्यान तो दे रहे हो ना, ठीक है गाइस, चलो देखते हैं। अब देखते हैं रिस्क, रिस्क में क्या होता है कि रिस्क इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क लॉस। रिस्क क्या है कि पॉसिबिलिटी है किसकी, लॉस होने की, कि रिस्क है वो क्या है, एक पॉसिबिलिटी है लॉस की। कि रिस्क का क्या क्या मतलब है, रिस्क क्या होता है कि हानि, मतलब लॉस होना वही क्या है, रिस्क है। तो इट में भी रिजल्ट क्या, या तो वो हम जानबूझ के कोई कर सकता है या फिर वो अनइंटेंशनल यानी बिना किसी की गलती के बगैर वो अपने आप ही हो जाता है, तो वो क्या है, एक रिस्क है। रिस्क एसोसिएट विद एम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के साथ भी रिस्क इंक्लूड होते हैं, एम कॉमर्स ट्रांजेक्शन के साथ भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल के मुकाबले ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा रिस्क होते हैं अदर देन ट्रेडिशनल भी इसके अलावा। अब देखते हैं, सबसे पहला आता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी का रिस्क। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के रिस्क में अंतर आता है कि जो हमारी हैकिंग की प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही आज इंटरनेट पे, हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, हैक कर ली जाती है लोगों के द्वारा। हैकर्स होते हैं, वो बैठ के उनको क्या करते हैं, जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उनको हैक कर लेंगे और उनका क्या करेंगे, मिस यूज़ करेंगे। क्वालिटी इशू रहता है कि जब हम ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू क्या करते हैं, हम जैसे कोई भी, मैंने आज मान लो एक ड्रेस खरीदी है ई कॉमर्स के थ्रू, तो अब वो ड्रेस कितनी सही निकली, मतलब दिखाया हुआ था फोटो के अंदर तो बहुत ब्यूटीफुल है, प्रीटी है, ये है वो है, लेकिन जब मैं एक्चुअल में जब वो ड्रेस मुझे मिली तो वो ड्रेस की क्वालिटी इतनी घटिया थी ना कि पता भी नहीं चल रहा था कि फ़ोटो के अंदर की क्वालिटी ऐसी निकलेगी। तो जो फ़ोटो और एक्चुअल में जो क्वालिटी क्या होता है डिफरेंट आती है, तो ये क्या होता है, हमारे पास एक क्वालिटी इश्यूज रहते हैं कि कस्टमर और ओरिजिनल प्रोडक्ट था जो उसे दिखाया गया था उससे क्या होगा, बहुत अलग होगा वो प्रोडक्ट। बहुत बार आपने देखा होगा, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जो प्रोडक्ट हम जैसा मंगवाते हैं वो बिल्कुल भी वैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता है अपने को। फिर आता है कुछ हिडन कॉस्ट भी अंदर इसके अंदर इंक्लूड होती है कि अब जैसे हमने किसी को, जैसे अमेज़ोन को हमने क्या किया था, अमेज़ोन को हमने ऑर्डर दिया था कि मुझे ना 10 जैकेट्स चाहिए, ठीक है, जैकेट चाहिए। तो वो जैकेट थी वो सिर्फ चाइना के अंदर ही मिलती थी, तो अमेज़ोन ने क्या किया, वहाँ से चाइना से वो जैकेट्स मंगाई, उसके ऊपर क्या लिखा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या क्या लग गया, टैक्सेस लग के, ठीक है, जो भी हमारा टैरिफ वगैरह है वो सब क्या हो गया, एप्लीकेबल हो गया। तो ये सारा टैरिफ वगैरह एप्लीकेबल होने के कारण क्या हुआ, अब जो हमारा हिडन कॉस्ट आ गई, तो ये क्या थी, हिडन कॉस्ट थी, यानी जो ये कॉस्ट सारी, जो टैरिफ वगैरह की कॉस्ट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, ड्यूटी की कॉस्ट है, वो सारी क्या थी, डिस्क्लोज नहीं की हुई थी। तो हिडन कॉस्ट के भी क्या रहते हैं, इसके अंदर चांसेस रहते हैं। उसके बाद आता है कि लैक ऑफ इंटरनेट के थ्रू होता है, तो पर्सनल टच, हम चीज़ों को क्या नहीं करके देख सकते, टच नहीं कर सकते, देख सकते हम सिर्फ उसको क्या, फोटो के अंदर ही देख सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के इशू रहते हैं कि हमारे जो क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है उनके जो इंफॉर्मेशन है वो चुरा लिए जाते हैं और हमारे अकाउंट से क्या होते हैं, पैसे निकलवा लिए जाते हैं। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है, अब हमारे यहाँ क्या होता है, रोड की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, रेलवे की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो ये फैसिलिटी अच्छी ना होने के कारण क्या होता है कि हम जो डिलीवरी करते हैं वो डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पाती है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्या होती है, प्रॉब्लम्स रहती है। प्रॉब्लम ऑफ एनिम्यूनिटी, कि देर इज़ अ आइडेंटिटी, यहाँ एनिम्यूनिटी की प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लो आज मैंने क्या किया, अमेजोन है, ठीक है,
अमेजोन से मैंने क्या मंगाया, आज मैंने मतलब 10 जैकेट मंगवा ली, ठीक है। अब जैकेट मैंने मंगवा ली, और जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने क्या दिया, एड्रेस मुंबई का दे दिया, किसी और की फ़ोटो, किसी का आधार कार्ड का नंबर या कहीं से भी कुछ हैक किया हुआ, वो सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। तो अब क्या होगा कि अब अमेजोन वाले आएंगे डिलीवरी करने, और इस मान लो मैंने दे दिया कि दिल्ली के किसी कहीं और जगह का एड्रेस दे दिया, तो वहाँ पर वो बोलेंगे हमने तो ये ऑर्डर मंगाया ही नहीं था भाई, आप हमारे पास ऑर्डर क्यों लेके आ रहे हो। तो आइडेंटिफिकेशन करने में भी क्या होती है डिफ़िकल्टीज़ रहती है, कि हमें पता नहीं चलता ये ऑर्डर किसने किया है, बिकॉज सेलर को नहीं, तो सेलर जानता कि हमारा कस्टमर कौन है और नहीं कस्टमर जानता कि हमारा सेलर कौन है। ये क्या होता है ग्लोबल मार्केट होता है, यानी वर्ल्ड वाइड एरिया पे क्या होता है मार्केटिंग होती है। फिर आता है रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि कस्टमर क्या करते हैं, आज मैंने क्या किया, आज देखो आज मैंने क्या किया, एक 10 जैकेट्स डिलीवर ऑर्डर की, ठीक है। अब उस ऑर्डर मतलब मान लो वो मेरे को 31 जनवरी को क्या ऑर्डर रिसीव होने वाला था, और मैंने क्या किया 30 जैन को क्या कर दिया, वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से मान लो वो ऑर्डर जो मैंने ऑर्डर किया था, अब वो ऑर्डर कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही होगा, उसको पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग पे भी जो एक्सपेंसेस लगे होंगे। तो ये क्या है हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है रेपुटेशन की, कि लोग क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, रेपुटेट कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो हमारे सेलर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी हानि जो लॉसेस का फेस करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा अथोंटिकेशन और ट्रांजेक्शन है, कि ये ट्रांजेक्शन पता नहीं चलता कि ये ट्रांजेक्शन वैलिड है या नहीं है। उसके बाद आता है कि थेफ्ट और डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, हमारे डाटा को क्या कर जाता है थेफ्ट किया जाता है, यानी चुरा लिया जाता है, या फिर टैम्पर कर देते हैं उनको, एक हैकर है वो हमारे क्या करते हैं अटैक करते हैं। हैकर के अटैक से भी क्या होता है हमें बहुत सारी जो हानि है लॉस है उसको क्या करना पड़ता है बेयर करना पड़ता है। उसके बाद डेनियल ऑफ सर्विसेज है, जैसे हमने किसी के जो ईमेल को बॉम्ब कर देना, मतलब क्या है कि किसी पास फालतू फंड में मैसेज भेजते रहना, मतलब आपका किसी ने ऑर्डर किया ही ना हो तो भी उसके पास ऑर्डर मैसेज मैसेज पर आ ही जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि सर्विस भी क्या करेंगे हम उसको डिनाई करेंगे, नहीं आ रहा है अमेजन की तो बहुत घटिया सर्विस है, बहुत घटिया, हमें ये नहीं लेना। फिर उसके बाद क्या होता है कि नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांजेक्शन, कि यहाँ पे क्या होगा कोई भी रिकॉर्गनाइजेशन नहीं रहता कि कौन सा डिजिटल सिग्नेचर, मतलब कोई भी हम जो किसी ने डिलीवरी ले ली, किसी ने गलत डिलीवरी ले ली, तो उन सब के बारे में भी हमें कोई भी रिकॉर्गनाइज नहीं रहता। और जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर था उसे कोर्ट ने भी क्या है पहले अप्रूव नहीं किया था, कि वो मानते थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो इनवैलिड होते हैं, उसे हम कोर्ट में भी क्या नहीं करवा सकते, रिकॉर्गनाइज नहीं करवा सकते। उसके बाद आता है ये ऑडिट ट्रायल की कमी होती है। ऑडिट ट्रायल क्या होता है देखो मैं आपको बताती हूँ, ऑडिट ट्रायल जैसे हमारे जो जैसे अमेजोन है, ठीक है, या फिर जो हमारा पेटीएम है, उसके अंदर हम देखते हैं हमें हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, वो हिस्ट्री होती जो हिस्ट्री होती है वही हमारी क्या होती है ऑडिट ट्रायल होती है। जो हम हिस्ट्री यूज़ करते हैं वो हमारी क्या होती है ऑडिट ट्रायल होती है, ठीक है, ऑडिट ट्रायल। ये इस हिस्ट्री के अंदर क्या होता है हमें पता चलता है कि हमने पास्ट में क्या ट्रांजेक्शन किया, हमारी क्या वैल्यू थी, किस वैल्यू पे हमें क्या डिस्काउंट मिला, क्या कूपन मिला, वो सारी की सारी हमें क्या डिटेल हिस्ट्री में मिलती है। तो बस अब हिस्ट्री की जो कमी होने के कारण भी क्या ई कॉमर्स बिजनेस की क्या है एक बहुत बड़ी कमी है, कि अगर हिस्ट्री नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या ट्रांजेक्शन किया, क्या हमारे पैसे किस चीज़ के कटे हैं, क्या कटे हैं। तो इसलिए अब आती है प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी। पायरेसी की प्रॉब्लम से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की, जैसे देखो जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है। अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आज आपको पता होगा कि डुप्लीकेट क्या होती है, आज कोई भी मूवी है जैसे मार्केट में आई, जैसे मान लो 0 मूवी है मार्केट में आई, मार्केट में आते ही किसी ने क्या किया इसकी कॉपी कर ली, ठीक है, या फिर कोई इसको थिएटर में देखने गया और उसके छुपने छुपके से इसने क्या कर ली रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करके इसने इंटरनेट पर डाल के इसको क्या कर दिया पब्लिश कर दिया। तो पब्लिश करने से क्या हुआ जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसको क्या हुआ बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि लोग देखने नहीं आएंगे, फिर देखने नहीं आएंगे फिल्म, क्योंकि वो इंटरनेट पर उनको घर बैठे ही वो मूवी मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको क्या होगा लॉस होगा। तो इसे जो डुप्लीकेसी हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम पायरेसी बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी है, तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होता, जिसके कारण क्या होती है हमारी इन्फॉर्मेशन वो क्या होती है पायरेट हो जाती है, उनको क्या किया जाता है कि गलत तरीके से क्या उनको किया जाता है उनको यूज़ किया जाता है। अब हमें दो केस स्टडी दी हुई है, जो जिसमें पहली केस स्टडी है रिटर्न ऑफ मोबाइल। तो गाइज मैं आपको ये केस स्टडी लाइन टू लाइन ही पढ़ाने वाली हूँ, उसके अंदर क्या डिस्क्राइब किया हुआ है वो मैं आपको बता दूंगी। देखो रिटर्न ऑफ मोबाइल, रिटर्न ऑफ मोबाइल इस केस स्टडी के अंदर हमें क्या बताया हुआ था, इस केस स्टडी के अंदर हमें ये बताया हुआ था कि जब भी क्या होता है कि कोई भी जो हमारे ये कोई भी पर्सन था, ठीक है, ये मान लो एक पर्सन था, ये मान लो यहाँ ये एक पर्सन था, ये क्या करता डेली क्या करता मोबाइल को ऑर्डर करता, और डिलीवरी होने से एक दिन पहले क्या कर देता उसको कैंसिल करता, ऑर्डर करता डिलीवरी होने से एक दिन पहले क्या कर देता कैंसिल कर देता, या फिर क्या करता ये कहता मंगवा लेता फ़ोन को, जैसे फ़ोन मंगवा लिया उसने, ठीक है, आज मैंने आईफोन मंगा लिया, ठीक है, आईफोन मंगाने के बाद मैंने क्या किया उसके अंदर जितने भी जो उसके जो पार्ट्स थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे उन सबको क्या किया बाहर निकाला, और जो डुप्लीकेट पार्ट थे वो क्या कर दिए इसके अंदर पुट कर दिए। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को नुकसान हो रहा है, और फिर
क्या बोलता, डिफेक्टिव पीस निकल गया और क्या कर देता, कंपनी को रिटर्न कर देता। अब आईफोन मंगा लिया, डिफेक्टिव पार्ट्स चेंज किए, उसके नकली पार्ट उसके अंदर ऐड कर दिए और असली पार्ट थे वो अपने पास रख लिए, उनको मार्केट में बेच दिया और कर दिया कि डिफेक्टिव है, रिटर्न करवा दिया। इससे क्या होगा कि कंपनी को बहुत सारा नुकसान होने लगा और कंपनी को क्या हुआ बाद में, ये बहुत टाइम के बाद में क्या हुआ कंपनी को नोटिफाई हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि जब कंपनी को एक जेन्युइन यूज़र को देखना चाहिए कि एक जेन्युइन यूज़र ही क्या कर सके, आके देख सके। जब कोई बार बार क्या है डिफेक्टिव पीस करके बार 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 ऐसे करके अब अगर आपको रिटर्न कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उस यूज़र को ब्लॉक करना चाहिए या फिर उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। उसके बाद आता है कि परचेज फैक, या फिर हमने क्या किया, ऑर्डर कुछ ही किया था और हमें मिल गया, कुछ भी मिल गया। तो जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने आईफोन मंगाया था या फिर किसी ने फ़ोन मंगाया था या फिर किसी ने कुछ मंगाया था, तो कहीं पर सोप डाल के दे दी, साबुन डाल दी उसमें, किसी ने ईंट मिल गई, किसी को कुछ भी मिल गई, तो इन सब के बारे में आपने वो सुना होगा। तो ये केस था उनके उसके ऊपर है। उसके बाद आता है कंट्रोल्स क्या है। अभी हमने देखे रिस्क क्या है कि हैकर का रिस्क हो गया, हमारा हमारे जो हाइडन कोड्स के रिस्क हो गए, हमारे मेलेसिस, प्राइवेसी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड हमने बहुत सारे रिस्क देखे, वो सारे रिस्क है। अब उनके हम ऊपर कंट्रोल क्या लगाएंगे, तो देखो कंट्रोल की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल डिफाइन इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो क्या है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में हमने डिफाइन किया है। प्रोसेस फॉर अज्यूमिंग अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, ये क्या होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने में क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। और ये क्या होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंप्लायंस विद क्या होंगे रूल रेगुलेशन के साथ, ये क्या करते हैं कंप्लायंस करते हैं। जैसे देखो ये कंपनी में है पॉलिसी टू एनफोर्स द एम्प्लॉय, मतलब कंपनी के पास क्या एक पॉलिसी है कि अपने पासवर्ड एम्प्लॉय को बुलाएगी, हर पासवर्ड अपने पासवर्ड को हर 30 डेज के अंदर क्या करना है चेंज करना है। तो ये क्या हो गया एक कंट्रोल हो गया। जैसे आपको एक कंट्रोल का एग्जांपल और देती हूँ, हम क्या करते हैं रात को सोने से पहले हम हमारे घर के अंदर क्या करते हैं लॉक्स लगा लगा के सोते हैं, कोई ताला लगाता है, कोई गेट को अपने जो कुंडी लगा के रखता है, सारे क्या काम करके रखते हैं ताकि कोई रात को अनऑथराइज पर्सन है या कोई चोर वगैरह है वो क्या ना हमारे घर के अंदर घुस ना सके। तो जो हमने ये ताला लगाने वाली प्रोसेस जो की है ये क्या है एक कंट्रोल है, जिससे हम क्या कर रहे हैं अपने आप को सेफ कर रहे हैं चोरी से, उससे क्या कर रहे हैं हम अपने आप को सेफ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब जो हमारा पॉइंट आता है कि इसके अंदर क्या कंट्रोल लगाएंगे। सबसे पहले यूज़र, यूज़र को हम ये बताएंगे कि जो अपनी पर्सनल जेन्युइन यूज़र ही क्या हो वो क्या कर सके एंटर कर सके। जैसे हमने इसमें एग्जांपल देखा था, तो आईफोन खरीद रहा था, पार्ट चेंज करके क्या कर रहा था वापस वापस दे रहा था, तो वैसे ही जेन्युइन यूज़र होना चाहिए। यानी कोई ऐसा नहीं है कि बार बार हमारे साथ धोखा कर रहा है, ऐसा यूज़र नहीं होना चाहिए, कोई हैकर नहीं होना चाहिए। सभी हमें क्या करनी पड़ेगी ध्यान देनी पड़ेगी। जब भी सेलर और मर्चेंट है वो आते हैं, जैसे देखो जो हमारी अमेजोन की साइट्स वगैरह होती है उस पर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ये हमारी साइट्स होती है वो क्या करती है कॉन्ट्रैक्ट करती है सेलर्स के साथ। कुछ सेलर आते हैं वो कहते हैं कि हम आपकी साइट पे क्या करेंगे हमारा माल बेचेंगे, तो माल बेचने से पहले क्या करना पड़ेगा जो हमारी साइट होती है उन्हें क्या कर लेना चाहिए, माल बेचने से पहले उस जो सेलर है उसके प्रोडक्ट का कैटलॉग, उसके प्रोडक्ट जो उसका क्या प्राइस है, उसकी क्या स्कीम है, क्या रिटर्न की पॉलिसी है, उसकी क्या कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को हमें क्या कर लेना चाहिए चेक कर लेना चाहिए। ताकि अगर ये इन्फॉर्मेशन सारी है, कोई भी सेलर आके हमारी साइट पे फ्रॉड करता है, जैसे ये मान के चलो कि अमेजोन पे मैं गई एज अ सेलर, अमेजोन के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी साइट पे क्या करूँगी, मैं आप मतलब मान लो मैं राइस सेल करूँगी आपकी साइट पे आके, तो अमेजोन ने कहा ठीक है हमारी साइट पे आकर आप राइस सेल कर सकते हो, उन्होंने मेरा कुछ भी प्राइस कैटलॉग चेंज नहीं किया और आगे जाके क्या किया मैं दिखा कुछ रही हूँ, मैं भेज कुछ रही हूँ, मैंने क्या किया फ्रॉड किया। ठीक है फ्रॉड किया, तो अब सेलर को तो कोई नहीं जानता ना, लोग तो अमेजोन साइट को जानते हैं, तो बदनामी किसकी होगी अमेजोन साइट की बदनामी होगी। इसलिए क्या बोला हुआ है कि उसे क्या कर लेना चाहिए अपनी उसकी जो सेलर है उसकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना चाहिए ताकि हम सिक्योरिटीज पॉलिसी को कोई भी जो डिफॉल्ट ना हो। उसके बाद आता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट भी कुछ सिक्योरिटीज़ लगाती है कि टैक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड ये टैक्स के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उनके वगैरह की जो प्रोडक्ट है जो सर्विस है कि इनलीगल प्रोडक्ट तो नहीं सेल हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी इन पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि कोई ड्रग्स वगैरह है या फिर कोई इनलीगल चीज़ों की सप्लाई तो नहीं हो रही है, जो कि जैसे गन बेच रहा है कोई कि गन ले लो गन ले लो, तो गन तो हमें प्रॉपर लाइसेंस के बाद में ही मिलती है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। ओके गाइस, उसके बाद आता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होता है तो वो उसको भी हम देखेंगे जो हमारा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है कि वो हमें राइट टाइम पे अच्छे से नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड तो करवा रहा है ना। अगर हमें नेट ही नहीं प्रोवाइड होगा तो हम कहाँ से जो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स जो बिज़नेस है वो किस पे बेस्ड है नेटवर्क पे बेस्ड है। तो ये देखेंगे जो हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर है उसके पास भी प्रॉपर सिक्योरिटी का मैनेजमेंट है या नहीं है। फिर आ जाएगा जो हमें टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, लाइक हमें
जो बैकएंड है, बैकएंड की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर पे उसने प्रॉपर सिक्योरिटी मैनेजमेंट किया या नहीं किया। और फिर आता है लॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर यानी जो हमारे डिलीवरी करने वाले जो होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी होती है हमारी, वो देखेंगे कि वो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है वो राइट टाइम पे राइट पर्सन को ऑर्डर प्रोवाइड करवा रही है या नहीं करवा रही है। और पेमेंट गेटवे के अंदर देखेंगे जो हमारे जो कस्टमर्स है वो जो अपनी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वो कोई हैक तो नहीं हो रही है, उनका भी प्रॉपर मैनेजमेंट, उन पे भी प्रॉपर सिक्योरिटी का मैनेजमेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद आता है इन रिस्क से बचने के लिए हम क्या क्या कुछ और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ क्या लगाएंगे। तो सबसे पहली जो सिक्योरिटी आती है, ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, एजुकेटिंग करेंगे किसको, पार्टिसिपेंट अबाउट नेचर ऑफ रिस्क। जो हमारे यूज़र है, जो हमारे सेलर है, उनको हम किसके बारे में एजुकेट करेंगे कि इस जो ई कॉमर्स के अंदर किस टाइप का रिस्क इन्वॉल्व है और किस टाइप का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, यूज़र को एजुकेट करेंगे। जैसे कि एवरी पार्टिसिपेंट नीड टू एजुकेट या सेंसिटाइज टुवार्ड द रिस्क एसोसिएटेड विद सच ट्रांजेक्शन। उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें एजुकेटेड करना पड़ेगा कि किस टाइप का रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और उन्हें क्या देनी पड़ेगी, हमें गाइडलाइंस देनी पड़ेगी, उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स लगाने पड़ेंगे, और उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रोग्राम के लिए बोलना पड़ेगा हमें कि आप आओ इस पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और जैसे हमारी ऑल इंडिया बैंक है, जो हमारे बैंक्स है वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए बैंक और क्या नहीं करना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। जैसे कि आप सेफली इन्फॉर्मेशन को देखो कि सारी साइट जो साइट सेफ़ है वो पूरे है, उन्हीं साइट पे क्या करो, जाके ऑनलाइन शॉपिंग करो, जो साइट सेफ़ नहीं है उन पे जाके शॉपिंग मत करो। तो मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उन्हें बतानी पड़ेगी। उसके बाद आता है हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को हमारी पॉलिसी प्रोसीजर्स इन्फॉर्मेशन है, शिपिंग है, बिलिंग रिटर्न, उन सब के बारे में क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि फर्म की जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ है क्या है, उनके बारे में क्या बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा उन सबको, हमें वेबसाइट पे क्या बताना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब मान लो आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हो, तो उसके अंदर वो आपसे बोलता है कि आप एग्री करते हो क्या सारी पॉलिसी एंड टर्म को, आपको सारी पॉलिसीज टर्म सब कुछ डिफाइन किया होता है जब जब भी आप किसी ऐप को क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। तो फिर आता है उसके बाद सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि हमने सिक्योरिटी के क्या क्या कौन कौन से हमने जो एंटीवायरसेस का यूज़ किया है, क्या क्या हमने सिक्योरिटीज़ लगाई है, हमने फायरवॉल का यूज़ किया है, ये किया है वो किया है, तो वो आपको क्या बताएंगे, सिक्योरिटीज़ के बारे में बताएंगे कि ये हमारा सिक्योरिटी का प्लान है। उसके बाद वो आपको शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसीज के बारे में भी बताएंगे, दी शुड बी क्लियर कॉम्प्रहेंसिव एंड अवेलेबल थ्रू आर लिंक ऑन द होम पेज ड्यूरिंग द ऑनलाइन परचेजेज, कि हमारी ये शिपिंग होगी इतने दिन के अंदर, हमें शिपिंग फीस है जो हमारी, जैसे मान लो 30 रुपीज़ है, हमने पीछे जो इस एग्जाम्पल में देखा था कि मैंने आपको जहाँ पे पेटीएम मॉल पर दिखाया था, वहाँ पर शिपिंग फीस 30 थी, 7 डेज़ के अंदर आप वापस कर सकते हो, कैंसिलेशन की पॉलिसीज थी, तो उन सब के बारे में बताना पड़ेगा, रिफंड की पॉलिसी है क्या कि आप रिफंड कर सकते हो क्या उस चीज़ को जो आपने एक बार ऑर्डर कर लिया उसको, या नहीं कर सकते उसके बारे में। फिर आ जाएगा उसकी इंडस्ट्री के बॉडी स्टैंडर्ड्स है कि जो इंडस्ट्री की हमारी गाइडलाइंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है, उन सबको बताना पड़ेगा, जैसे रिजर्व बैंक का रूल्स वगैरह जो भी डिस्क्राइब किए हुए हैं ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड, तो वो सब क्या करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। उन्हें क्या बताना पड़ेगा, यू को जो ई कॉमर्स बिजनेस है, क्या इंट्रूजन्स के बारे में बताएंगे कि ये आपसे ना अलग से भी पॉइंट पूछा जा सकता है, जब आप बैक वाले क्वेश्चन करोगे वहाँ पे भी आपको ये अलग से पॉइंट मिलेगा कि ये पॉइंट बताओ कि प्रोटेक्शन अवर बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन, या फिर आपका एमसीक्यूज में दे दे कि प्रोटेक्शन अवर बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन इनमें से कौन सा नहीं है, मान लो ये 3 दे दिया और उसके बाद आपको कोई और चौथा वर्ड, कोई और वर्ड दे दिया तो आपको उस पर मार्क करना होगा, तो इस पर आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। तो देखो वायरस से क्या करना पड़ेगा, हमें सेफ्टी करनी पड़ेगी, एंटीवायरस लगाना पड़ेगा, हैकर से हमें अपने सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए हमें बहुत सारी क्या करनी पड़ेगी, हैकर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, पासवर्ड है हमें वो डेली डेली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ताकि उसे कोई तोड़ ना सके। फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे हम रेगुलर अपडेट करते रहेंगे ताकि कोई भी अगर हमारे सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश कर रहा हो तो वो उसमें फेल हो जाए। सेंसिटिव डाटा है उन्हें हम क्या करेंगे, इनक्रिप्टिंग यानी इनक्रिप्टिंग की फॉर्म में अंदर रखेंगे। इनक्रिप्टिंग क्या होती है, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नवंबर 2018 के अंदर पूछ चुका है। इनक्रिप्टिंग का क्या मतलब होता है, जैसे देखो आप कभी भी अपना जो फेसबुक लॉगिन करते हो, आप अपनी FB है वो लॉगिन करते हो, तो आप जो पासवर्ड टाइप करते हो तो वहाँ पे ऐसे स्टार स्टार मार्क आने लग जाते हैं या ऐसे डॉट 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 आने लग जाते हैं, जो वर्ड आप टाइप करते हो वो नहीं दिखता, तो ये वाला जो फॉर्म है टेक्निकल फॉर्म उसे ही हम क्या बोलते हैं, इनक्रिप्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला कि अपनी सेंसिटिव डाटा को हम क्या लिखेंगे, इनक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन में रखेंगे, अगर कोई हैकर है उसे हैक भी कर लेता है तो उसे समझ में ही नहीं आएगा, वैसे डॉट 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 लिखा हुआ है तो क्या समझ आएगा, किसी को कुछ समझ नहीं आता, जिसे पता होता है कि ये क्या है उसे वही समझ पाता है। नो द डिटेल ऑफ योर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, तो इसमें क्या होगा, डिटेल हमें किसकी देंगे, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल्स भी हमें इसमें देनी पड़ेगी। उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी रिस्क,
तो गाइज ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी रिस्क के कंसिडरेशन के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे थम्स अप दें एंड मेरे चैनल हैशटैग स्माइली को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। गाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नेम हैशटैग स्माइली है आप उस पर भी इंक्लूड हो सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज ये जितना ज़्यादा शेयर करोगे इन बच्चों के लिए वो हेल्पफुल होगी मेरी ये वीडियो। सो थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके गाइज बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइल।